हेलो, गाइज बिफोर वी बिगिन कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो डेमो लेक्चर्स करने आए हैं एक बार? अच्छा, कितने सारे बच्चे जो रजिस्टर्ड है? हाथ नीचे करो। जो बीच में बैठे हुए कुछ लोग हैं, कितने सारे बच्चे जो डेमो लेक्चर? अच्छा, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मैं रजिस्टर्ड हूँ या फिर मैं डेमो, कोई बीच वाला यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? तो डेमो कितने लोग करने आए हैं? ये देखो, तुम देखो, ठीक है? तुम अभी देखो, तुमको अगर जमेगा तो ले लेना, ठीक है? नहीं जमेगा तो नहीं लेना। ऐसा तुम लोगों को कल डेमो नहीं देखा तुमने, ठीक है? मेरी बात सुनो, सब छोड़ो। बात ये है कि कुछ रजिस्टर्ड बच्चे वहाँ पे भी बैठे हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता वो नाराज़ हो। तो प्लीज़ कल से आप लोग अपने घर से रिसीट लेकर के आइएगा, जो भी रिसीट आपको मिला है वो रिसीट चेक होगा और उसके बेसिस पे ही कल से इस क्लास में एंट्री मिलेगी। जो डेमो वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको बाजू वाली क्लास में बैठना पड़ेगा, वर्चुअल में आपको देखना पड़ेगा। जब हमारी क्लास की स्ट्रेंथ फिक्स हो जाएगी तो उसके हिसाब से हम लोग क्लासरूम जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। समझा तुमको? अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है, शुरू करें? रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ? पक्का? ठीक है, ऑल राइट गाइज, चलो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? चलो जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। नींद नहीं खुली भाई तेरी, उठ तो जा, बोलना जोर से, गुड मॉर्निंग। नहीं आ रही है वाइब भाई? कम से कम बाजू वाले क्लासेस में जानी चाहिए आवाज, ठीक है? जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो शुरुआत के लिए, ठीक है? कैसे हो आप लोग सब? कल उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि कल आप लोगों ने घर जाकर के बहुत सारी पढ़ाई कर ली होगी। जो मैंने तुमको पढ़ाया था तुमने घर जाके एकदम डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह घर जाके बुक खोला होगा, मेरे से मैसेज भी किया होगा, सर वो रिवीजन ऑडियो एक भेज दो ना, मेरे को रिवीजन करने की इच्छा है कि नहीं। कल बुक नहीं खुला ना, क्योंकि सर हम सेटल हो रहे थे, है ना? अभी तो घर से आए हैं तो खाने वाने का सेट कर रहे थे, रहना वहना सब सेट हो गया, ठीक है? वेरी गुड। चलो सर, आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ओए, मेरे कंट्रोल में भाई, वो डर गया, बोले सर नहीं, बोले बिना किसी बकवास के आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। कल क्या पढ़ा था सर हम लोगों ने? लॉ। वाह 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 वाह, अच्छा भाई ये नहीं बोला सीए इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्शन। सुनो मेरी बात, कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? कुछ बातें मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था आप लोगों को 3 रजिस्टर्ड लेके आने के लिए। क्या आप लेके आए हो? Have you all purchased your registers? Yes. Please make sure that you write your register. जो भी आप चीजें रजिस्टर में लिख रहे हो, मैंने आपको कल भी बोला था, अपना समझ करके लिखना, किसी और पे एहसान कर रहा हूं ऐसा मत लिखना। जितना अच्छा तुम्हारा रजिस्टर होगा उतना तुमको बाद में पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आएगा कि नहीं सर? यस सर। तो कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? थोड़ी चीजें मेरे को बताओगे, पर अब से हमारा क्लास जब भी शुरू होगा 3 चीजें आप मेरे पीछे रिपीट करोगे, अच्छे से, दिल से, एकदम मन से बोलोगे। शुरू के 15 दिन तुम्हारे मन से नहीं आएगा, मैं तुमको बता रहा हूं, नहीं आएगा, बस कोशिश करना बोलने की, उसके बाद से मन से आने लग जाएगा, ठीक है? सबसे पहला मैं बोलूंगा, फिर आप रिपीट करोगे, जोर से रिपीट करोगे। कोई अगर नहीं बोलेगा तो, अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट होगा तो डांट खाएगा, डेमो वाले को नहीं डांटते। बोले डेमो वाले को डांटेंगे, भग जाएगा ना, क्यों भगाना उसको, डेमो वाले को नहीं डांटेंगे, ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से। पहला, आई विल स्टडी विथ इंटरेस्ट टू सिक्योर एग्जेम्पशन इन लॉ। I will give my 200% in this attempt. I will give my 200% in this attempt. जोर से बोलना तीसरा वाला, ठीक है? I will perform better than everyone else. I will perform better than everyone else. करोगे ना? पक्का? ठीक है, चलो कल हमने क्या पढ़ा था सर क्लास में? कल अपने अपने नोट्स खोल लो, कुछ तो तुम लोगों ने नोट्स में लिखे होंगे वो खोल लो। आप लोगों को बुक्स के बारे में वापस से बता देता हूँ, बुक्स जो है फेस टू फेस वालों को 5 से 6 दिन में मिल जाएगा, और जो वर्चुअल वाले हैं 5 से 6 दिन में डिस्पैच होगा, तो उसके बाद आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तब तक आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैं सारी चीजें क्लास में लिखवा करके ही देने वाला हूँ। कल हमने लॉ का इंट्रोडक्शन किया था, लॉ के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? देखो, दो तरह के लॉ होते हैं, एक कॉर्पोरेट लॉ और एक अदर लॉ। हमारे सिलेबस में कॉर्पोरेट लॉ है और अदर लॉ है। सुबह का टाइम है, नींद बहुत जोर से आती है, और इससे प्यारी नींद, इस समय से ज्यादा अच्छी नींद कभी नहीं आती है, पर फिर भी अपने अपने यहाँ क्या करने के लिए बैठे हैं? पढ़ाई। तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। नींद कैसे खुलेगी? थोड़ा सा बोल करके। मैं भी अभी जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना, तो मेरी भी नींद खुल रही है, ठीक है? तो तुम लोग भी बोलो तो तुम्हारी भी नींद खुलेगी। बताओ, पहला क्या है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा क्या है अदर लॉ? कॉर्पोरेट लॉ में 2 एक्ट है, पहला, दूसरा। अदर लॉ में 3 लॉ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है जनरल क्लॉज एक्ट, दूसरा है फेमा, और तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। उसके बाद मैंने तुमको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, वो मैं तुमको बताऊंगा। कल मैंने तुमको समझाया था सबसे पहले लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है। मैडम, क्या आप मेरे को बताएंगे लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? प्लीज खड़े हो जाइए, बोलिए। लॉ इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, वेयर एज एक्ट इज इंक्लूडेड इन लॉ। ठीक है, सही है, बैठ जाओ। क्या बोला उन्होंने? लॉ इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। लॉ में और क्या क्या चीजें आती है? एक्ट आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशंस आता है, केस लॉज आता है। उसके बाद जब आप जैसे जैसे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, जैसे जैसे आप जीएसटी एक्ट पढ़ोगे, तो आप देखोगे एक्ट में, लॉ में नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, क्लैरिफिकेशंस आते हैं, ये सारी चीजें आती है। बट हमारे कंपनीज एक्ट में क्या क्या आता है? रूल्स और केस लॉज। मतलब एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉ, क्या मिला के क्या बनता है? ये आपका लॉ बन जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लॉ, एक एक्ट बनता कैसे है, हाउ डज एन एक्ट कम इनटू पिक्चर। क्या कंपनीज एक्ट 2013 नया नया है? उसके पहले क्या था? कंपनीज एक्ट, मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो, कंपनीज एक्ट। उसके पहले क्या था? कंपनीज एक्ट 1913। अब देखो सर, आपका लॉ कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है? एक्ट बनाने का पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, उसमें आर्टिकल नंबर 246 है, जो कहता है भैया 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। वही लिस्ट से आपको पावर मिलता है कंपनीज एक्ट बनाने का, वही लिस्ट से पावर मिलता है आपको इनकम टैक्स एक्ट बनाने का, वही लिस्ट से पावर मिलता है गुड्स एंड जीएसटी। यहां से नहीं आता, जीएसटी यहां से नहीं आता। ये ऊपर क्या आर्टिकल है? आर्टिकल 246। आप लोगों का एक छोटा सा सेशन रखवाएंगे, विशाल सर का एक सेशन रखवाएंगे, जो आपका जीएसटी का इंट्रोडक्शन सेशन होगा। उसमें सर को पूछना, सर हमारा जो जीएसटी एक्ट है क्या वो आर्टिकल 246 से आता है? इसका जवाब है नहीं। पर कहां से हाँ, 246A, जिनको पता है ठीक है। अब ये जो है इसके बारे में आपको विशाल सर बताएंगे कि क्यों ये यहां से नहीं आता। पर ये लिस्ट में कहीं पे भी अगर आप देखोगे ना, जैसे आप अगर यूनियन लिस्ट में जाओगे तो यूनियन लिस्ट में आपको इनकम टैक्स मिल जाएगा, लेकिन यूनियन लिस्ट में आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। तो यहां पे पावर नहीं दिया गया था, तो क्या किया सरकार ने वो आपको विशाल सर बताएंगे। पर अभी के लिए ये समझो पावर कहां से आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ठीक है। उसके बाद से मैंने आपको बताया था एक्ट बनता कैसे। सबसे पहले आइडिया आता है, एक्ट बनाना है, किसके मन में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उनको पावर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, और मिनिस्ट्री को क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री आप एक एक्ट बना दो। एक्ट बनाने के लिए वो क्या बनाएंगे? कमिटी। कमिटी कुछ कुछ चीजें लिखेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट है, जिसको लीगल टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? बिल। लीगल टर्म्स में क्या बोलते हैं? बिल। अब जो बिल है वो कहां पे अप्रूव होगा? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। पहले कौन? पहले राज्यसभा। तुम मेरे को बताओगे फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो तुम्हारा पहले लोकसभा, बाद में राज्यसभा, और उसके बाद कोई भी इंटरचेंजेबली कर सकते हो। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में अप्रूव होने के बाद किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। और एक बार प्रेसिडेंट हां बोल देता है तो वो एक्ट बन जाता है, पर वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है। एप्लीकेबल कब से होता है सर एक एक्ट? जब आपने ऑफिशियल गैजेट में डाला तब, या फिर जब आपने बोला अप्लाई होगा तब? क्या मतलब? आपका जो कंपनीज एक्ट है, प्लीज ध्यान से सुनना, कंपनीज एक्ट अप्रूव कब हुआ था? कोई बता सकते हैं मेरे को? एनीवन, एनी आइडिया? कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो प्रेसिडेंट ने साइन कब किया था? आपका 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट ने साइन किया, और साइन करने के बाद इन्होंने ऑफिशियल गैजेट में अपलोड कब किया? इन्होंने अपलोड किया 30 अगस्त 2013। लेकिन उन्होंने जब अपलोड किया ना, तो इन्होंने उसमें लिखा कि दिस एक्ट विल अप्लाई फ्रॉम 1 सितंबर 2013। तो एक्ट अप्लाई कब से होगा? 1 सितंबर 2013 से, क्योंकि उन्होंने लिख दिया ना। अगर मान लो वो लिखते कि ये वाला एक्ट कब से एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2014, तो कब से अप्लाई होता? 1 अप्रैल 2014। अगर ये लोग लिखते दिस विल अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2013, तो कब से अप्लाई होगा? अरे दिमाग, अरे ओ सुनो, टफरी नहीं करवाता मैं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुमको, सुनो। अगर उन्होंने, तुमने क्या बोला? पहला आंसर तुमको आता था, दूसरा आंसर तुमको आता था, तो तुमने बोला यही सुर में हल्का हल्का क्वेश्चन ले रहे हैं सर। ये केस में क्या हुआ? अप्रूवल कब हुआ? 29 अगस्त को अप्रूवल हुआ। ऑफिशियल गैजेट में कब डाला? 30 अगस्त 2013। और क्या बोला? अप्लाई कब से होगा? 1 अप्रैल 2013। क्या 1 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हो? अरे भैया, कब से एप्लीकेबल होगा? जब तुमने ऑफिशियल गैजेट में डाला, या फिर जो डेट तुमने बोला, व्हिचएवर इज लेटर, व्हिचएवर इज लेटर। तो पहला वाला केस क्या था? पहला वाला केस ये था, सुनो इधर देखो, तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो बस। आपका प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला? मैं लिख रहा हूं, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला। केस, 3 केस बनाएंगे, 1 2 3, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला आपको? 29 अगस्त 2013। तीनों भी केस में ये सेम है, ठीक है। पहला केस आपका ऑफिशियल गैजेट में आपने कब डाला? 30 अगस्त 2013। तीनों भी केस में ये सेम है, ठीक है। 30 अगस्त 2013 को डाल दिया, ये तो फैक्ट है, ये तो सही है। पहला केस सरकार ने बोला ये अप्लाई कब से होगा? ये अप्लाई 30 अगस्त से ही होगा। क्या वो ऐसा बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, आज हमने अपलोड किया, आज से एप्लीकेबल होगा, वेरी गुड। तो ये कब से अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा 30 अगस्त 2013 से अप्लाई होगा। दूसरे केस में उन्होंने क्या बोला? इट विल अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, मतलब बाद में। तो फिर ये एप्लीकेबल कब से होगा सर? 30 अगस्त की 1 अप्रैल? कोई है जो 30 अगस्त बोलना चाह रहे हैं? बोलोगे तो कंफ्यूजन है तो क्लियर कर दूंगा। यहां पे क्या आप क्लियर हो? 1 अप्रैल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ना 1 अप्रैल से अप्लाई होगा, तो 1 अप्रैल से अप्लाई होगा। तीसरा केस, उन्होंने बोला 1 अप्रैल से अप्लाई होगा, लेकिन 2013। अब इस केस में कब से अप्लाई होगा सर? हाँ, आपका 30 अगस्त से अप्लाई होगा। क्यों ऐसा? भाई मेरे को पता तो होना चाहिए मेरे पे क्या एप्लीकेबल है, मेरे को पता तो होगा। आज तुमने ऑफिशियल गैजेट में डाला, मेरे को मतलब आज पता चला। सर ऐसा नहीं बैठो, ऐसा नहीं बैठो, आप या तो सुन लो, खड़े होके भी तुम लोगों को क्लास में कभी ऐसा लगे कि नहीं भैया मेरा ध्यान भटक रहा है, खड़े हो जाओ, रैंडमली खड़े होकर के चुपचाप सुन लो। मेरी आंखों से आंखें मिलेगी, मैं सवाल भी नहीं पूछूंगा तुमको, मैं समझ जाऊंगा भाई को तकलीफ हो रही है सुनने में, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? 30 अगस्त, ये समझ गए तुम? तो कब से एप्लीकेबल होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन और whichever or the date of application whichever is later। सर इस तरीके से आपका एक्ट अप्लाई होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका कंपनीज एक्ट कब आया था, और फिर मैंने आपको कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। कंपनीज एक्ट के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था टोटल कितने सेक्शन है? 460 सेक्शन है। कुछ गलत बोल दिया क्या? सुन रहे हो क्या? क्या कितने सेक्शन है? 470 सेक्शन है नंबर में, लेकिन अगर काउंट करने घुसोगे तो 484 सेक्शन है, which is divided into how many chapters? It is divided into। ऐसा देख देख के मेरे को बता दे रहे हो जैसे मैं पढ़ने आया हो, तुम नहीं। क्या मजा आ रहा है? स्क्रीन में देख के मेरे को बता दे रहे हो, थोड़ा दिमाग में खोजो कहीं मिल रहा है क्या? कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स हैं। और कितने शेड्यूल्स? 7 शेड्यूल्स। उसके बाद सर मैं आपको प्रीएम्बल बताया मैंने, कंपनीज एक्ट का प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब एक लाइन में समरी, एक लाइन में बताओ, ठीक ठीक बताओ, करते क्या हो, ज्यादा बात मत करो, एक बार में बोलो। तो इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 का प्रीएम्बल में क्या लिखा? टू एन एक्ट टू, नहीं नहीं जोर से बोलो, एन एक्ट टू एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज। मतलब कंपनी से रिलेटेड जो लॉ बने हुए हैं उनको हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं और अमेंड करके अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि हमारे पास एक ताज़ा कंपनीज एक्ट 2013 आ जाए। तो ये प्रीएम्बल था सर। अब मैं आप लोगों को आज की क्लास में कंपनीज एक्ट, कल हमने पूरा लॉ का इंट्रोडक्शन समझा, हमने समझा लॉ क्या है और लॉ का एक ओवरव्यू लिया। अभी हम पूरे के पूरे सिलेबस में घुसेंगे, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, कंपनीज एक्ट में घुसेंगे और आज जो चीजें हम पढ़ेंगे ना, एवरीथिंग हैज द पोटेंशियल ऑफ कमिंग इन योर एग्जाम्स। मतलब ऐसा नहीं कि 5 दिन तक टफरी चल रही है, नहीं भैया, आज जो हम पढ़ेंगे दैट विल हैव द पोटेंशियल ऑफ कमिंग इन योर एग्जाम। सो मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली और उसको एकदम फाइन ट्यून करके आज से तुम लोगों ने घर पे जाके रिविजन भी शुरू कर देना चाहिए। अभी तक हो गया, कल तुमने टफरी मारी, कल मैंने बोला भी नहीं, पर आज से जो चीजें होगी वो तुम्हारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, रिविजन शुरू कर देना चाहिए। एक बात बताता हूँ, शुरू के 15 दिन डिसिप्लिन रखना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, कम से कम वो आसान वाला बैटल तो जीत जाओ। 15 दिन के बाद जब एकदम हेक्टिक हो जाएगा, हर तरफ से प्रेशर आएगा, तब डिसिप्लिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। पर अभी जब तक 15 दिन जोश होता है ना शुरू का, वो जोश में जो पढ़ाई हो रही है वो तो कर लो, ताकि बाद में जब तुम्हारा जोश कम होगा तो मैं हूं ना, पर पहले जो जितना जोश भरा है उसके हिसाब से तो पढ़ाई कर लो। तो आज से जाके रिविजन करोगे क्या? yes, दिल से नहीं आया ना तुम्हारे? yes, हाँ दिल से आया, पक्का रिविजन करोगे? ठीक है, पहले क्लास तो कर ले। सुनो मेरी बात, आ जाओ। सर मैं आप लोगों को एक कंपनीज एक्ट का ओवरव्यू देना चाहता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, स्क्रीन पे लिखना मत जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। कंपनीज एक्ट का आपका कितने चैप्टर से? 29 चैप्टर्स, पर आपके सिलेबस में कितने हैं? आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 11 चैप्टर्स है। एक मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं कि आपके चैप्टर का फ्लो क्या है, मतलब बेसिकली आपको आपका इंडेक्स बता रहा हूं, लिखने की याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, सर आपका कंपनीज एक्ट में सबसे पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी। क्या है प्रिलिमिनरी? प्रिलिमिनरी मतलब क्या? बेसिक। किस चीज के बारे में बात करता है प्रिलिमिनरी? सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात करता है, एक सेक्शन नंबर 1 और एक सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 क्या है? सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी, 4 चीजें वो अपन देखेंगे अभी। पर आपका सेक्शन 1 और 2 प्रिलिमिनरी में आता है। ये क्या हो गया सर, इसको हिंदी में बोलूं बेसिक्स? ये आपका बेसिक्स हो गया, हिंदी में कहां बोले सर, समझ जो आया वो हिंदी ना भाई, ठीक है। दूसरा प्रिलिमिनरी के बाद अब आप समझो, अगर आपको कंपनीज एक्ट बनाना है सबसे पहले कंपनी क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट। तो आपका सेक्शन नंबर, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर जो बात करता है इनकॉर्पोरेशन के बारे में। इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन नंबर छोड़ दो, तुम अभी याद नहीं कर पाओगे। तुम समझो सेक्शन नंबर इतना छोटू सा होता है, एक नंबर होता है, और उसका कंटेंट कितना बड़ा होता है, 4-4 पेज का कंटेंट होता है। जब 4 पेज का कंटेंट याद कर लेंगे, वो इतना सा याद अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी मैं बैठ करके वो सेक्शन नंबर याद कर करके क्या करूंगा, नंबर रैंडम नंबर्स 9, 3, 4, 7, 6, अंदर का पता भी तो होना चाहिए ना। तो अपन लोगों को सेक्शन नंबर, जैसे जैसे अपना सेक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सारे सेक्शन नंबर बाय डिफॉल्ट याद होते जाएंगे, होंगे कि नहीं सर? सेकेंड पॉइंट क्या हो गया आपका? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब अभी सोचो इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी, मेरी एक कंपनी बन गई, अब क्या सर कंपनी बन गई तो अब धंधा करना है, बिजनेस करना है कि नहीं? कंपनी अचार डालने के लिए थोड़ी बनाए, हो सकता है अचार डालने की कंपनी बनाई हो, पर कंपनी बनाए धंधा करने के लिए। धंधा करने के लिए क्या लगता है? पैसा। तो सर मेरे को पैसा चाहिए, तो पैसा मैं कहां से लूंगा? मैं पब्लिक से भी पैसा मंगवा सकता हूं, पब्लिक से भी पैसा मंगवा सकता हूं और खुद का भी पैसा लगा सकता हूं। अब तुम समझो पैसा मंगवाने के लिए, मान लो तुम पूरी पब्लिक हो, तुम पब्लिक हो, मेरी कंपनी है, मैं अगर कंपनी हूं और मैं तुम्हारे पास पैसा मांगने आया हूं तो मेरे को मेरी कंपनी का इंफॉर्मेशन तो बताना पड़ेगा। जैसे एक लड़का जब शादी करने जाता है, एक लड़की जब शादी करने के लिए आती है, तो एक डॉक्यूमेंट घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? सीवी, रेज्यूमे नहीं, क्या बोलते हैं उसको? बायोडेटा। बायोडेटा में क्या लिखा रहता है? लड़के का पूरा चिट्ठा, लड़की का पूरा चिट्ठा, मतलब जो बताया जा सके वो वाला चिट्ठा, ठीक है। तो वो जैसे बायोडेटा एक इंसान का होता है, वैसे कंपनी का जो बायोडेटा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। तो मैं क्या इशू करूंगा मार्केट में प्रोस्पेक्टस कि ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के ये गुण है, इस समय पे बना था, ये उसकी राशि है, ये सारी चीजें मैं अपने प्रोस्पेक्टस में लिखूंगा। अब प्रोस्पेक्टस लिख के क्या करूंगा मैं? तुम सब लोगों में बांट दूंगा। अब सर थोड़ा इमेजिन करना प्लीज, दिमाग में ना थोड़ा सा इमेजिन करना, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर बढ़नी चाहिए, जो चीजें मैं तुमको बोल रहा हूं वो तुमको दिखना चाहिए। तुमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, एक एक जन को पैम्पलेट बांटा मैंने, और तुम अब क्या करोगे? मेरे कंपनी को पैसा दोगे। तुम जब मेरे को पैसा दोगे तो तुमको कंपनी में हिस्सा मिला, उसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। तो अगला चैप्टर हो गया आपका शेयर कैपिटल, जो बताएगा किस किस तरीके के शेयर कैपिटल आप दे सकते हो। अब सर उसके बाद शेयर कैपिटल के साथ 2 कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर्स आते हैं, कि शेयर कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए एक चैप्टर आता है डिपॉजिट्स का, एक चैप्टर आता है चार्जेस का। पर तुम्हारे कहानी में अभी तक कहां पहुंचे हो? तो तुम्हारे पास पैसा आ गया, अब तुमने कंपनी बना ली, प्रोस्पेक्टस दे दिया, पैसा आ गया, अब क्या करोगे? धंधा, बिजनेस तो करोगे ना भाई। तो इसके बाद सबसे बड़ा चैप्टर आता है आपका, कोई गेस कर सकता है क्या सबसे बड़ा चैप्टर आता है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला सर मैंने? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आगे चल करके जब आप आर्टिकलशिप चेक करोगे ना तो आपको इस चैप्टर के हर सेक्शंस उसमें देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अभी धंधा कर रहे हो तुम, अब धंधा करोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका? मेरा कि तुम्हारा? कंपनी में पैसे तुमने लगाए तो प्रॉफिट में तुम्हारा भी हिस्सा है। तो जब एक कंपनी तुम्हारे हिस्से का प्रॉफिट तुमको वापस करती है उसको क्या कहते हैं राजा? उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो धंधा करोगे तो डिविडेंड मिलेगा ना, तो अगला चैप्टर क्या हो गया आपका? डिविडेंड। अब सर यहां तक आपका एक फ्लो है, अब इसके आगे के दो चैप्टर समझ लो क्या है कि भैया अब तुम इतना सारा जो कर रहे हो उसका तुमको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? हिसाब किताब। इंग्लिश में बोले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा। तो इन्होंने अगला चैप्टर बनाया अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अब सर मान लो मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी का क्या हूं? मालिक। अब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहा हूं, मान लो मेरे पास प्रॉफिट आया 100 करोड़ का, मैं बोलूंगा भाई 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा देंगे ना, इन सबको फालतू फालतू का 1-1 करोड़ देना पड़ेगा, एक काम कर 50 करोड़ का प्रॉफिट दिखा। क्यों? बुक्स तो मेरे को बनाना है, कंट्रोल तो मेरे पास है, तो मैं बुक्स में क्या कर सकता हूं? गलतियां कर सकता हूं, एरर या फ्रॉड कर सकता हूं। अब वो फ्रॉड रोकने के लिए क्या तरीका है? बुक्स का एक चीज होता है उसको क्या कहते हैं? ऑडिट। क्या कहते हैं? ऑडिट। व्हाट इज ऑडिट? व्हाट इज ऑडिट? वही जो मेरी बंदी मेरा फोन लेके करती है, ऐसा किसी ने पिछले बैच में बोला था, इतना दुखी था भाई वो, कहता है वही जो मेरा फोन लेकर के रोज होता है ऑडिट, उसको ऑडिट कहते हैं। क्या है तो कायदे से ऑडिट देखो, ऑडिट मतलब क्या? चेक। ठीक है, बट व्हाट इज ऑडिट? हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, हमारे बिजनेस वर्ल्ड में व्हाट इज ऑडिट? कोई मेरे को प्रैक्टिकल डेफिनेशन दे सकते हैं? तुम्हारी जो भी समझे मेरे को समझा दो, जो भी समझे प्लीज थोड़ा सा हाथ उठा के पार्टिसिपेट कर लो। हाँ राजा बोलो। Checking the error in the books of accounts. He said, checking the errors in the books of accounts for what? For what purpose? क्यों कर रहे हैं हम ये? एक चीज समझोगे प्रैक्टिक। हाँ बोलो मैडम प्लीज। मिस स्टेटमेंट करेगा ओनर्स की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो बंदा बुक बना रहा है वो गलतियां कर सकता है, वो फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स? प्लीज बोलो। To check whether it is complying with accounting standards or not. Please sir. Disclosure का compliance हुआ है कि नहीं? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझना। हो गए राजा पॉइंट्स, अब मेरी बात समझना। एक कंपनी है, इस कंपनी, listen to my question very carefully. Is company a separate legal entity? Yes. What does it mean? मतलब कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी है भाई, कंपनी की एक खुद की इज्जत है जो अधिकतर इंसानों की नहीं होती, वो इन्होंने पहले से कंपनी को देके रख दिया कि कंपनी तेरी एक अलग आइडेंटिटी है, तेरे को हम एक इंसान मानेंगे। कैसा इंसान मानेंगे? कहना इसे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों सर? क्योंकि वो पैदा नहीं होता है, उसको इनकॉर्पोरेट करते। क्या करते हो? इनकॉर्पोरेट, मतलब वो बर्थ नहीं होता है। तुम ये नहीं बोलते कंपनी का बर्थडे क्या है भाई, तुम बोलते हो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है। तो एक कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होती है जिसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। पर सर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होने से क्या उसके पास आंखें आ जाती है क्या देखने के लिए? हाथ आ जाते हैं क्या सिग्नेचर करने के लिए? हाँ, उसको सब सुनाई देता है क्या? नहीं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो उस केस में कंपनी के बिहाफ में किसी को काम करना है। तो मान लो मैंने एक कंपनी बनाया था रैंकर्स लिमिटेड करके, अब बताओ वो कंपनी को चलाएगा कौन? मैं। तो मैं कौन हो गया? मान लो मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या हो गया? डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मत बोलो, मैं अकेला बोर्ड नहीं बन सकता, तो मैं कौन हो गया? कंपनी का डायरेक्टर। क्या मेरे पैसे कंपनी में लगे हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पैसे किसके लगे हैं? तुम्हारे। तो तुम लोग क्या हो गए? शेयर होल्डर्स। पैसे तुम्हारे, कंपनी तुम्हारी, चला कोई और रहा है। तो इस केस में फर्क क्या है कि तुम्हारे पैसे हैं तो तुमको डर है, पर मैं अगर चला रहा हूं, तुमको मेरे पे भरोसा तो है, पर भरोसे के साथ साथ चेक भी तो होना चाहिए ना। हाँ, तो अब जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरे पे काम है, मैं डायरेक्टर हूं ना, तो लॉ ने मेरे पे काम दे रखा है, क्या डायरेक्टर तू हर साल ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले जा करके इनको दे देना। अब जब मैं तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दूंगा ना, तुम मेरे को वापस कर दोगे। बोलेगा रख ले भाई। क्यों भाई, क्या हो गया, बनाया तो अच्छे से। बोलेगा इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, मेरे को इसके एक नंबर पे भरोसा नहीं है। तो क्या करूं भरोसा अगले? जा एक सीए के पास, जा एक सीए के पास, उसको बोल इसको चेक करेगा पूरा का पूरा। तो सीए क्या करेगा, एक महीना लगा करके हर एक नंबर को घुस घुस के चेक करेगा, और चेक करने के बाद इसके ऊपर एक रिपोर्ट रखेगा, जिसको हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। अब ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ना राजा, अब जब तुम लेके जाओगे कोई इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन करके क्या बोल दिया है, दैट आई हैव वेरीफाइड दिस and this is absolutely true and fair, so I have verified this and this is now approved, ab tum isko distribute kar sakte ho। to jab aapka accounts ban gaya na, to accounts ke baad aakhri chapter kya aata hai, aapka audit of accounts। samjhe kya? अरे समझे क्या सर, ये आपका फ्लो है। अकाउंट्स के बाद आ गया ऑडिट ऑफ अकाउंट, इसके बाद इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एक दे दिया आपको, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी आप समझ लो यू की कॉम्प्लीमेंट्री भैया वही है ना, सब्जी मंडी में गए सब्जी लेने के लिए, धनिया दोगे क्या भैया, ये रहा धनिया, ये तुमको दे दिए, बोले रख ले भाई, इसका एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेगा। जितने मार्क्स का पहले कंपनी लॉ था, अभी भी उतने ही मार्क्स का है। तो ये वो धनिया है, पर भाई धनिया जितना हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 6 नंबर का आएगा, हम लोग उतनी ताकत से इसको पढ़ लेंगे जब इसका समय आएगा। समझे क्या? यस सर। ये आपका पूरा कंपनीज एक्ट का ओवरव्यू है। एक बार देखो क्या सीन है सर। प्रिलिमिनरी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, इनकॉर्पोरेशन के बाद, हाँ मेरे से भी बात करो ना प्लीज। ओके, how many of you cannot understand Hindi numbers? okay, तो तुमको तो 1.5 और 2.5 तो और भी नहीं आता होगा। हाँ 15-20 तो चलो फिर भी समझ आता है, 1.5, what is 1.5, what is 2.5? you know Telugu? ओके ठीक है। सुनो, हमारे वहाँ पे जहाँ उड़ीसा में ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तेलुगु बहुत चलता है, ठीक है। तो एक ना एक कैलिफोर्निया से एक बंदा आया था उस जगह पे पढ़ने के लिए 2 साल के लिए, उसको तेलुगु सीखनी थी। वहाँ के लोग इतने बुरे, तेलुगु की गालियाँ सिखाए उसको, और बोलते हैं सुन भाई, और अपने नाम पे बोले ना कि मैं गधा हूँ, का मतलब ये है कि आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड आई एम वेरी स्मार्ट। तो मैं कैलिफोर्निया से आया हुआ गधा हूं, इसको तेलुगु में कन्वर्ट करके उसको बोल दिया। वो हर जगह जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मैं कैलिफोर्निया से आया हुआ गधा हूँ। गधा तो मैं बहुत सॉफ्ट वर्ड यूज किया, तुम समझ रहे हो ना। हाँ टेलीपैथी हो रही है ना तुमको, गधा कोई गाली थोड़ी होती है पागल। सुनो मेरी बात सुनो, तो आपने क्या समझा ओवरव्यू में, क्या बताया मैंने आपको? प्रिलिमिनरी है, इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया, पैसे आए, तो मैंने तुमको क्या दिया, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद हमने 1-2 एक्स्ट्रा चैप्टर थे, डिपॉजिट और चार्जेस। उसके बाद मैंने क्या किया, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपका पैसा आया, डिविडेंड दिया, और उसके सबका अकाउंट्स मेंटेन किया, और अकाउंट्स को क्या किया, ऑडिट। सर इसके अंदर के सेक्शन नंबर सब हौले हौले याद हो जाएंगे। कभी कोई भी किताब पढ़ते हो तो पहले क्या बैठ के इंडेक्स रखते हो क्या? हाँ पहले किताब पढ़ते हो ना, इंडेक्स तो बाई डिफॉल्ट हो जाता है। तो आपको सारे सेक्शन नंबर, सारे फॉर्म नंबर समय के साथ साथ याद हो जाएंगे। अरे समझे क्या? यस सर। अब मेरी बात सुनो, अब शुरू करते हैं आपका कंपनीज एक्ट। मेरे को बताओ सर, कंपनीज एक्ट का सबसे पहला सेक्शन क्या है? अब तुम लोग अपना नोट्स खोल लो, अपना नोट्स खोल लो। तुमको मैं सबसे पहले कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 बताऊंगा। ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को क्या बोला था मैंने, तुम्हारे घर में मैं कैमरा तो लगा नहीं सकता, ठीक है। तो तुम लोगों ने खुद से थोड़ा पार्टिसिपेट करके मेरे से बात करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को समझ नहीं आएगा कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। सलोनी, लोकेंद्र, खुशबू, सुतार, विष्णु प्रिया सुतार, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। सुनो सर, फर्स्ट वाला क्या है आपका, सबसे पहला वाला सेक्शन है, हेडिंग डालो, शॉर्ट टाइटल लिखो, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। सर व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल? शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टाइटल मतलब निकनेम। घर पे क्या बुलाते हैं कंपनीज एक्ट को? ऐसा नहीं सर, शॉर्ट टाइटल मतलब इस एक्ट का लेजिट नाम क्या है। तो इस एक्ट का नाम क्या है, इस तरीके से लिखो जिस तरीके से मैंने स्क्रीन पे लिखा है। शॉर्ट टाइटल द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। अब सर एक्सटेंट मतलब क्या? एक्सटेंट मतलब कहां कहां पे लगेगा? एक बात बताओ, यूएस की कंपनीज को लगा दूं? बोले यूएस की कंपनी टेस्ला, आज से तू मेरी बात मानेगा, तू मेरे हिसाब से चलेगा, तू अपना प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा, क्या वो करेगा? नहीं करेगा। सर तो मैं कहां पे अप्लाई कर सकता हूं? जहां तुम्हारा राज है इंडिया, तो ये एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अबे HOLE वाला मत लिख देना भाई, WHOLE होल ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर को लगेगा क्या सर? जम्मू कश्मीर को, अरे पर वो तो अपना है क्या, मोदी जी ने अपना बना लिया। क्या बोले, अब से जो इंडिया में पहले जम्मू एंड कश्मीर में अलग प्रोविजंस लगते थे, वहां के लिए अलग से सारा लॉ बनता था, पर आपको पता है 2 साल पहले आपने आवाज सुनी होगी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जो पूरा अलग से इन्होंने लॉ बन। इस पे अपन एक सेशन लेंगे कभी 15 मिनट का, मेरे को याद दिलाना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पर वो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट नहीं है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को भी वही लॉज अप्लाई कर दिए जो हमारे लॉ ऑफ लैंड को लगता है, जो इंडिया को लगता है वही लॉज एप्लीकेबल हो गए। तो बाई डिफॉल्ट इसमें जम्मू और कश्मीर आ गया। उसके बाद सर कमेंसमेंट कब से होगा? मैं लिख दूं क्या, नोटिफाइड इन ओजी, जब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होगा तब से इसका कमेंसमेंट हो जाएगा। समझा क्या? लिखना क्या, कमेंसमेंट कब से होगा? व्हेन इट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। अब सर एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या, ये किसको अप्लाई होगा? सर क्या बात कर रहे हो, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज को अप्लाई होगा, कंपनीज को ही अप्लाई होगा ना, इसमें क्या लॉजिक है? सुनो, कंपनीज को तो अप्लाई होगा, पर क्या सर कंपनी एक ही तरह का होता है? हाँ, कंपनी एक ही तरह का होता है। माना कि कंपनीज को अप्लाई होगा, तो अपन क्या करते हैं, एप्लीकेबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं, क्या, एप्लीकेबल टू कंपनीज। लिखो पहला पॉइंट, जगह रखना थोड़ी सी, एप्लीकेबिलिटी पहला पॉइंट, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। लिखने दो मेरे को, आगे का सुनना ठीक है। टू ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉज। क्या मतलब इसका, क्या मतलब? मतलब सर अगर मैं आपको बोलता कि कंपनी इट अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मान लो मैं क्या बोलता, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ये एक्ट कब आया? 2013 में। मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम सुना है? वही जिसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाली कंपनी है, मेरे को एक बात बताओ, वो अभी 2013 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है क्या? नहीं सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1973। कब? 1973। तो 1973 में क्या कंपनीज एक्ट 2013 था? नहीं, कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। तो जो कंपनीज एक्ट 1956 में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुए थे, क्या वो कंपनी कंपनी नहीं है? वो भी तो कंपनी है ना भाई। तो इसलिए इन्होंने क्या लिखा, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, मतलब जो 1956 में बने होंगे, या अगर कोई कंपनी होंगे 1913 में बने होंगे। जैसे कोई कंपनी है जो 1913, टाटा वॉज इनकॉर्पोरेटेड समटाइम इन 1945, उस टाइम पे कभी इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो वो 1913 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो टाटा तो अभी भी कंपनी है ना, तो उसको भी अप्लाई होगा अगर तुमने ये लाइन लिख दिया, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। और किसको अप्लाई होगा सर? मेरे को एक बात बताओ, एक्सेस अभी ना हाल फिलहाल में तुम अगर थोड़ा सा भी शेयर मार्केट फॉलो करते हो, मैं ये अजम्पशन पे चल रहा हूं कि आप शेयर मार्केट फॉलो नहीं करते, पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताता रहूंगा ताकि आपको समझ तो आए धीरे धीरे। आप जैसे FMSM पढ़ोगे तो वहां पे आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होता रहेगा, पर देखो CA में स्टॉक मार्केट का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस नहीं है, पर CA के प्रैक्टिकल लाइफ में स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो मेरी बात आराम से सुनना, समझ आ जाएगा आपको। सर आपको पता होगा, हाल फिलहाल में अगर आपने सुना होगा कि एक्सिस बैंक जो है उसका स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। किसका? एक्सिस बैंक का। मतलब तुमने अगर चलो कितना इन्वेस्टमेंट कितना वो छोड़ दो, तुमने अगर पैसा इन्वेस्ट किया होता तो अच्छा खासा कमा लेते। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्सिस बैंक इज अ बैंक? इज एक्सिस बैंक अ कंपनी? व्हाट इज द बेसिस ऑफ यू सेइंग यस? किस वजह से यस कैसे बोल रहे हो? क्या बेसिस है? क्योंकि उसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। लिस्टेड है मतलब कंपनी तो होगा, और जिसको पता है उसका नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी है वो, ठीक है कंपनी है सर। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने बोला कंपनी है तो क्या लगा दोगे? कंपनीज एक्ट। पर कंपनीज एक्ट जब लगाए तो बाजू में एक जना नाराज हो गया। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक और एक्ट नाराज हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बोले हम कुछ लिखवा के आए हैं क्या? कौन बोला? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाला। बोले हम पागल हैं, फिर अलग से एक एक्ट बनाए उनको रेगुलेट करने के लिए जो बैंक्स है, और तुम कंपनीज एक्ट आके बोल रहे हो कि सारा कंपनीज हमारा। ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना सर। तो मेरे को एक बात बताओ, जब कंपनीज एक्ट में और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? चलो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, जब बीवी में और अगर किसी के साथ अफेयर चल रहे उन दोनों में लड़ाई होगा तो किसका साथ देगा लड़का? हमको क्या पता सर, हमारा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। जब होगा आपको आके जवाब दे देंगे, पर होगा ये? हाँ बोल रहे हैं भाई, शर्म भी नहीं आती क्या भाई? कम से कम इतना समय जब तक है तब तक तो ऑनेस्ट रहे। सुनो मेरी बात, ऐसा ही समझ लो, ऐसा ही समझ लो कि जो कंपनीज एक्ट है ना, इट इज योर अफेयर। जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, दैट इज योर वाइफ। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट यू विल हैव टू अल्टीमेटली सेटल फॉर द मेन लॉ जो तुम्हारे लिए अलग से बनाए। अरे कंपनीज एक्ट तुम्हारे लिए अलग से बना के नहीं, पर बैंकिंग रेगुलेशन अलग से बनाए। तो हमने क्या बोला पता है? कंपनीज एक्ट को ये पता था कि भैया कल को मेरे और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लड़ाई होगी ना, कौन जीतेगा? बैंकिंग रेगुलेशन। तो कंपनी एक्ट ने बोला मेरे को हारने का ही नहीं है, मैं पहले से ही क्या बोल देता हूं कि हम बैंकिंग कंपनी को अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे? बैंकिंग कंपनी को अप्लाई करेंगे, बट सब्जेक्ट टू, क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मतलब अगर मान लो कंपनीज एक्ट कहता है कि मेरे को कम से कम 5 डायरेक्टर चाहिए, कितने? कम से कम 5 डायरेक्टर, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने क्या बोला? 3 डायरेक्टर में काम हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट क्या बोल रहे हैं? हाँ हो जाएगा ना, 3 डायरेक्टर में काम हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। हम तो पहले से ही ये बोल रहे हैं कि हमारी बात मानना, पर अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और बोल दे तो उसकी बात मानना। समझे क्या तुम? यस सर। तो ये हमको लिखना जरूरी था, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? सेकेंड पॉइंट लिखो, एप्लीकेबिलिटी। सर जैसे आपका बैंकिंग कंपनी होता है ना, हेलो हेलो सो सॉरी, जैसे आपका बैंकिंग कंपनी होता है ना, बैंकिंग कंपनी के साथ 2 और नाम ऐसे ही फ्री में जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। तो ये तीनों का अलग से एक्ट बनाए, तो तीनों का एक साथ में लिखो, इट विल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज insurance companies, electricity companies, or any other company formed under a special act, any other company formed under a special act subject to the provision of such act, क्या मतलब है सर? ये लाइन एक बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इट विल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज, दूसरा इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके बाद एनी कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। सर ये कौन सी और कंपनी है? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? आपका LIC। LIC क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इट इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट, LIC एक्ट। तो उसको भी अप्लाई होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ LIC एक्ट। तो यहां पे हमने क्या लिखा? हमारी बात सुन लेना, पर अगर तुम्हारा जो स्पेशल एक्ट है वो कुछ और बोल रहे थे तो उनकी बात सुन लेना। अरे समझे क्या? yes. अरे समझे क्या? यस सर। और तीसरा, टू सच, यस, सेबी इज नॉट अ कंपनी, सेबी इज अ बोर्ड, सेबी इज अ बोर्ड। जैसे कि आपका सेबी, इट इज नॉट अ कंपनी। एसबीआई इज अ कंपनी, इट इज ऑल्सो अंडर अ स्पेशल एक्ट। थर्ड वाला लिखो, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, पूरा लिखो भाई, तुम पूरा लिखो भाई, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर इसका क्या मतलब है? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी का क्या मतलब है? हमने बोला बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी, मतलब लॉ, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट पढ़ रहे हैं। एक्ट ने पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। मान लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कौन? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया, सुनना ध्यान से प्लीज, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि भैया तू बता किसको अप्लाई होगा। मान लो अभी तक तुम सबको अप्लाई होता था, इन दोनों को अप्लाई नहीं होता था। अभी इन दोनों को अप्लाई करवाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता? एक्ट पूरा अमेंड करना। तो इन्होंने पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट आके नोटिफिकेशन डालेगा कि आज से कंपनीज एक्ट इन दोनों को भी अप्लाई होगा, इसका मतलब इन दोनों को भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल सेबी, मैडम ने बोला सेबी, इज सेबी अ कंपनी? इज सेबी अ कंपनी? नो। इज कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू सेबी? नो। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि सेबी को अप्लाई होगा तो अप्लाई होगा। भाई ने बोला बापू दिखेंगे, मतलब बापू दिखेंगे, समझे ना? यस सर। तो ये पावर किसको दे दिया हमने? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया। बस सिंपल सी बात है सर, आज तुमको रॉकेट साइंस लग रहा होगा, पर सिंपल सी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों का रेलेवेंस नहीं है, पर किस चीज़ का रेलेवेंस है ये समझना कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दे के रखा है कि भैया तू बताओ और किसको अप्लाई करना है। क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर यूज़ किया? जी हाँ। आपको पता है, आपने कभी NHAI के बारे में सुना है? व्हाट इज NHAI? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इज इट अ कंपनी? इट इज नॉट अ कंपनी। पर हमने क्या बोल दिया? भैया तेरे को ना कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे तू कंपनी है। तो रेगुलेट करना इजी हो जाता है ना यार, कंपनीज एक्ट में कितना सिस्टमैटिकली सारा चीज दिया हुआ है, वो उसको रेगुलेट करना इजी हो जाता है। यहां पे हमने पावर दे करके रख दिया। अरे समझे क्या? यस सर। दिस इज योर सेक्शन वन। व्हाट इज योर सेक्शन वन? एक बार टाइटल बताओ फिर से, शॉर्ट टाइटल कम। ओ बेटा, शुरू के 10 दिन तो क्लास इतने हल्के होने वाले हैं ना कि क्लास की चीजें क्लास में याद हो जाएगी, घर जाके 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो थोड़ा रिवीजन भी करना है और समय भी बचाना है, तो क्लास की चीजें क्लास में ही याद करके खत्म कर लो। पहला क्या हो गया? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड, होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद कमेंसमेंट, जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, जब आपका ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होगा। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी। 3 चीजें बोली मैंने एप्लीकेबिलिटी में, पहला टू ऑल कंपनीज अंडर दिस लॉ और अंडर प्रीवियस लॉ, दूसरा बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, देख अगर तू ऐसे बोलेगा बैंकिंग कंपनी, ये एक तरीका है, होता होगा कहीं पे, पर तू अगर ऐसे हटा करके बोलेगा तो शायद आराम से बोल पाएगा, तेरे कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ। बाकी ऐसे बोल जैसे बोलना है, पर मेरे को लगता है हाथ हटा करके बोलेगा तो अच्छे से बोल पाएगा। सुनो मेरी बात, आपका दूसरा वाला क्या हो गया? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनी अदर कंपनी। तीसरा, टू सच बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया आपका सेक्शन वन। सेक्शन वन के बाद आता है आपका सेक्शन टू। सेक्शन टू किस बारे में बात करता है? सेक्शन टू बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। किस चीज की डेफिनेशन सर? आप समझो, अभी आप कंपनीज एक्ट बना रहे हो, तो कंपनीज एक्ट बना रहे हो तो हर जगह आप कंपनी 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 लिखोगे। तो ये जो कंपनी आपने लिखा, इसका मतलब क्या है भाई? तुमने आगे चल करके लिख दिया पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? ये क्या जहां पे लिखा है वहीं पे बताएं क्या? मतलब मान लो जहां पे हमने पेड अप शेयर कैपिटल लिखा, मान लो सेक्शन 4 में हमने लिखा पेड अप शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए, तो अब वहीं पे पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो डिफाइन करोगे क्या? कर सकते थे, पर एक बार थोड़ी यूज होता है। कम से कम 100 बार पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड यूज हुआ है, तो हर बार जब भी पेड अप शेयर कैपिटल यूज हुआ उसके नीचे डेफिनेशन लिखते बैठोगे क्या? नहीं ना, तो हमने बोला एक कॉमन खींचो उसको और सेक्शन नंबर 2 में डाल दो। तो आप यूजुअली हर एक्ट में देखोगे कि डेफिनेशन कौन से सेक्शन में होता है, सेक्शन नंबर 2। आप कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन कौन से सेक्शन में होता है, सेक्शन 2। इनकम टैक्स में डेफिनेशन कौन से सेक्शन में होता है, सेक्शन 2। जीएसटी में कौन से सेक्शन में होता है, सेक्शन 2। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में कौन सा होता है, सेक्शन 2। मैं क्या तुमको टाइम पास लग रहा था क्या? 200-300 एक्ट कैसे करता रहूंगा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में सेक्शन 3 में डेफिनेशन दिया हुआ है। क्यों? माई लाइफ माई रूल्स, ऐसा नहीं है। सेक्शन 3 जो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है ना, उनको कुछ और बातें लिखनी थी भाई। यहां पे इन्होंने शॉर्ट टाइटल लिखा, उसके बाद इनको सेक्शन 2 में डेफिनेशन लिख दिया, इसके बीच में इनको कुछ नहीं लिखना था। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में उनको एप्लीकेबिलिटी के लिए अलग से सेक्शन बनाना था, उनको सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी नहीं लिखनी थी, तो उन्होंने सेक्शन 2 डाल के एप्लीकेबिलिटी लिख दिया। क्या गलत किया? अब जब 2 में एप्लीकेबिलिटी लिख दिया तो 3 में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो जनरली स्पीकिंग आपका हर एक्ट में सेक्शन 2 क्या होता है, डेफिनेशन, पर एक्सेप्शंस होते हैं। सर लॉ में एक ही गेम है, एक्सेप्शन। जैसे ही तुम प्रोविजन समझ रहे होगे एक चाटा पड़ेगा, बोलेगा एक्सेप्शन, बोले फिर ठीक है एक्सेप्शन बैठा लिया, फिर समझ रहे होगे एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। तो यहां पे तुम इतना, तो तुम वो मूवी देखो इंसेप्शन, इतना मूवी तुम इंसेप्शन देख, इतना कंफ्यूज तुम इंसेप्शन देख के नहीं हुए होगे जितना तुम एक्सेप्शन का एक्सेप्शन देख के हो जाओगे। पर ठीक है, संभाल लेंगे, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, सेक्शन 2 क्या है, डेफिनेशन। सर डेफिनेशन में एग्जाम में उठ करके क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगा, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। पहले हम सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। कुछ हुआ है पक्का? सर आपको कुछ पक्का सुन रहे हो? ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ बताऊंगा, उसके बाद हम लोग जो हल्के वाले हैं वो बाद में लेंगे। पहले क्या करते हैं, डिफिकल्ट वाले बड़े वाले सेक्शंस जो है वो लेते हैं। सबसे बड़ा सेक्शन और सबसे डिफिकल्ट, व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी कहां पे डिफाइंड है सर? सेक्शन 2। आपने सब सेक्शन बोला, सेक्शन 2 क्लॉज। सर चलो ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज। कल क्लास के बाद एक स्टूडेंट ने पूछा, सर ये क्लॉज जो है आपने बोला, फॉर एग्जांपल 2 नहीं लेंगे, 4(1)(a)(1) इस तरीके से अगर लिखा है, तो उन्होंने बोला कि सर ये a जो है ये क्या हो गया, क्लॉज, ये 1 जो है ये क्या हो गया, सब सेक्शन जनरली। तो जब आपने सेक्शन 2 लिखा, तो यहां पे जब आपको क्लॉज बोलना था, चलो तुम क्लॉज कब बोल रहे हो, सबसेक्शन कब बोल रहे हो, तुम अपनी मनमानी लगा लो, हमने बोला लॉ को लगा ले भाई, पर कम से कम अल्फाबेट तो डाल देता ना, ABCD करके तो डाल देता ना, तो तेरे को क्या तकलीफ थी? अरे भैया तुम डाल तो देते, लेकिन ABCD की लिमिट होती ना, कितने 26 अल्फाबेट होते। अब तुम समझो सेक्शन नंबर 2 में इन्होंने कम से कम 93 या 95 डेफिनेशंस दिए, फिर क्या करते, A to Z करते, फिर A, A, B, A, C, A, D, फिर वो भी खत्म हो जाता, फिर A, A, B। फिर तुमको ज्यादा मजा आती क्या? नहीं ना। तो तुम्हारा कन्वीनियंस कहां पे, 1 से लेकर के 95, इसलिए इनको नंबर यूज करना पड़ा विदाउट एनी चॉइस। तो जनरली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यूज कर सकते थे अल्फाबेट्स, लेकिन दिस इज द ओनली रीजन कि वो लोग क्या किए, नंबर पे शिफ्ट कर गए। ये सब में PhD करना नहीं है, तुमको एग्जाम में सेक्शन 2 याद आ गया ना बहुत है, और जितने क्लॉजेस में बताऊंगा वो याद आ गए तो बहुत है। सबसे पहला क्लॉज सर, सेक्शन 2 क्लॉज 20 किसको डिफाइन करता है? कंपनी को। अपने नोट्स में हेडिंग डालो, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 2 डेफिनेशंस। पहला डेफिनेशन, हेडिंग डालो कंपनी, हेडिंग डालो कंपनी, और लिखो कंपनी ब्रैकेट में 2 क्लॉज 20। कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 20 में, लिखा है कंपनी मींस अ कंपनी, देखो पढ़ के देखो कितना मस्त है, कंपनी मींस अ, वाओ अच्छा कि आपने डिफाइन कर दिया, नहीं तो हम कंफ्यूज ही हो जाते कि कहना क्या चाहते हो। सर कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एनी प्रीवियस लॉ, पुराने किसी लॉ में भी अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो तो ये क्या हो गया, कंपनी। लिख लिया मैडम आपने, इतनी जल्दी लिख लिया, बाप रे रजनीकांत। क्या लिखा आपने? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। सर बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे नहीं। कंपनी के डेफिनेशन में हमने बोला ये वाले कंपनीज जो अभी बने हैं और पुराने वाले कंपनीज, जैसे कि क्या हो गया, क्या आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी हो गया? हाँ। क्या अडानी कंपनी हो गया? क्या इन्फोसिस कंपनी हो गया? क्या टाटा मोटर्स कंपनी हो गया? हाँ सर, ये सारे कंपनीज है, बेसिक डेफिनेशन है कंपनी का, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पर सर क्या ये एक्चुअल में कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं क्या? इसने तो बोल दिया वो जो इस वाले लॉ में बने हैं या प्रीवियस लॉ में, पर कंपनी का एक्चुअल डेफिनेशन तो वो होता है ना जो तुमने बचपन में पढ़ा था, क्या, दैट इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी विच हैज अ सेपरेट लीगल, लिखो लिखो जनरल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन, कंपनी is an incorporated entity, company is an incorporated entity having separate legal identity and has perpetual succession and may have a common seal. अगर मैं आपको पूछूं इसमें से keywords क्या है राजा? What are the keywords here? It is an incorporated entity, having a separate legal identity, having perpetual succession. And may have a common seal. सबसे पहला सर इनकॉर्पोरेटेड वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ये बर्थ नहीं होता है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड, यू फॉर्म अ कंपनी। नंबर टू, व्हाट इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब तुम अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, तुम अपने पावर से किसी को केस कर सकते हो। मान लो आज रिलायंस इंडस्ट्री है, वो जाकर के बोलेगा कि मैं अनिल अंबानी के ऊपर केस करना चाहता हूं, क्या वो केस भाई CASE वाला केस, मेरा थोड़ा टंग स्लिप हो जाता है तो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, केस करना चाहता हूं, अगर रिलायंस इंडस्ट्री अनिल अंबानी पे केस करना चाहता है तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री कर सकता है? तुम बोलोगे भाई वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पर वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमने उसको वो दर्जा दिया है कि वो एज अ पर्सन जाकर के केस कर सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज द मीनिंग सर, आप बताइए परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग। प्लीज खड़े हो जाइए, बताइए। कभी खत्म नहीं होती, क्या मतलब? थोड़ा सा और, लाइफ एंड नहीं होती, थोड़ा क्लीन करके आप बताइए मैडम। कंपनी के मेंबर्स आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी जो है वो लाइफ लॉन्ग चलते रहेगी। कुछ चीजें मैं बता दूं दोस्त, on a very serious note, please maintain the discipline of a class. You are in a professional course. This is not your BCom exam or this is not your time pass college. This is a professional degree. Behave professionally. What do I mean by that? When someone is asking you a question or when you are addressing the class, you have to stand up. It is a अपन क्यों खड़े होते हैं? दो रीजन से खड़े होते हैं, एक तो लोगों को समझ आए कि कौन, इट इज़ नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो तो तुम्हारा, वो तो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, वो मैं तुमको नहीं सिखा रहा हूँ। वाई डू यू स्टैंड अप इन द क्लास? बिकॉज पीपल, तुम नहीं खड़े होगे तो तुम बोल रहे होगे, लोग ऐसे कौन बोल रहे हैं भाई, कौन बोल रहे हैं भाई करता रहता है, तो जनरली क्या होता है हम लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद व्हेन यू स्पीक, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं बोलने के बाद प्रॉपरली सीक फॉर परमिशन एंड देन सिट। दिस इज अ नॉर्मल डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। वाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज वेन यू हैव सच अ ह्यूज क्राउड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द क्राउड एंड देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको शायद ये सारी चीज़ें नहीं समझती, तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ बिकॉज आई बिहेव वेरी प्रोफेशनली इन द क्लास एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। ना तो मैं क्लास में वो डिसिप्लिन तोड़ना चाहता हूँ, ना मैं किसी को वो चीज़ें तोड़ने दूंगा। वी विल बिहेव वेरी प्रोफेशनली इन द क्लास बिकॉज नाउ यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। दिस इज नॉट सम रैंडम डिग्री। जब तक तुम ये बिहेवियर नहीं सीखोगे, जब तक तुम ये डिसिप्लिन नहीं सीखोगे, ICAI तुमको ये डिग्री देने वाला भी नहीं है। ठीक है। तो एम आई क्लियर हियर, एम आई क्लियर? ठीक है, मेरी बात सुनो सर, ये क्या हो गया परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? चलते जाएगा चलते जाएगा। एक बात बताओ, कंपनी में 5 डायरेक्टर थे, एक कंपनी थी राधाराम लिमिटेड। राधाराम लिमिटेड में कितने डायरेक्टर्स थे? 5 डायरेक्टर्स थे। 5 डायरेक्टर्स गए थे घूमने के लिए, कहाँ? यूक्रेन। वो 5 डायरेक्टर्स ही क्या थे? 5 मेंबर्स थे कंपनी के। कहाँ घूमने गए थे? यूक्रेन। और नालायकों को देखो, 5 डायरेक्टर्स एक ही साथ घूम रहे, एक ही कार के अंदर। ऊपर से आया रशिया, रशियन नहीं बे, रशिया, तुम्हारा रशिया का बॉम्ब आया और खत्म। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, सारे के सारे डायरेक्टर्स गए, सारे के सारे मेंबर्स गए, कंपनी का कोई लीगल सेंटिटी बचा क्या? अब कंपनी का रह करके कोई मतलब है क्या? हाँ सर, कंपनी रहेगी। पर एक बात बताओ लॉजिकली, ये तो तुमको पता है कंपनी रहेगी, ये तो तुमने फाउंडेशन में भी पढ़ लिया था, पर कैसे रहेगी? इस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? उस कंपनी को रिवाइव करेगा। कैसे रिवाइव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे 2-3 लोगों को बैठाएगा एज अ डायरेक्टर। उनको बोलेगा कि भाई तू लीगल हेड्स को ढूंढ करके ला और उनको इकट्ठा कर, और कंपनी में नए लोगों को मेंबर्स बना, नए लोगों को क्या बना, अपना डायरेक्टर्स बना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल कम इन टू पिक्चर एंड इट विल रिवाइव द कंपनी। बट कंपनी रिवाइव हो जाएगी, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है एंड मे हैव अ कॉमन सील। सर कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। पर सर सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, तो सिग्नेचर तो तुम मानते हो उसको, पर कॉमन सील एक्चुअल में क्या होता है? वो एक्चुअल में एक सील होता है, एक वो पंचिंग मशीन आती है ना, वैसे एक मशीन होती है, वो मशीन लेकर के तुम पेपर के ऊपर रख दो तो स्टैंप सा पड़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन सील। पर यहां पे एक वर्ड लिखा है सर मैंने, मे हैव अ कॉमन सील। मतलब सर कंपनी का कॉमन सील होना मैंडेटरी है क्या? पहले था, आपको पहले कॉमन सील रखना मैंडेटरी था, उसके बेसिस पे ही एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो वैलिड डॉक्यूमेंट बनता था। पर अब इन्होंने बोला कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, ऐसा क्यों? बताइए सर। ठीक है सर, अब इन्होंने क्या बोल दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने सुन लिया, उनको पता है, पर जिनको नहीं पता वो सुनो मैं क्या बता रहा हूं। पहले कॉमन सील मैंडेटरी था, पर इन्होंने बोला यार कॉमन सील क्या लगाएंगे, वो तो ऐसा एक मशीन है जो कोई भी लेकर के पेपर में लगा देगा, उसमें क्या कर सकते हो तुम, कितना छुपा के रखोगे? अगर वो किसी के हाथ लग गया वो तो कंपनी के सारे प्रॉपर्टी बेच देगा, सील के हाथ पे। तो इन्होंने क्या बोला, वी विल हैव टू मेक कॉमन सील मैंडेटरी, नहीं कर सकते, तुमको कॉमन सील को ऑप्शनल करना पड़ेगा। तो कॉमन सील को ऑप्शनल अगर कर दिया तो एक डॉक्यूमेंट वैलिड कैसे होगा? मतलब जब एक कंपनी जाकर के एक प्रॉपर्टी खरीद रही है तो प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करना होगा, बेचने वाले ने तो साइन कर दिया, कंपनी कैसे साइन करेगी? तो इन्होंने बोला कॉमन सील तो ऑप्शनल है। तो हमने बोला अगर कॉमन सील नहीं है ना, ये तुम अपने नोट्स में भी लिखोगे इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं, कॉमन सील अगर नहीं है ना, ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, या तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, इफ दी कंपनी has a company secretary appointed a company secretary, if the company has a company secretary. तो कितने लोग साइन करेंगे? 2 डायरेक्टर एंड 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी, इफ द कंपनी हैज अ कंपनी सेक्रेटरी। सर इफ द कंपनी हैज अ कंपनी सेक्रेटरी मतलब क्या? देखो तो वैसे हर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, पर अगर तुमने कर लिया है ना तो सीएस का भी साइन करवा लेना और उसके साथ एक डायरेक्टर का साइन करवा लेना, तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? वैलिड। दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने तुमको बताया है ना, तुमको कम से कम आगे 4 बार आने वाले, 4 अलग अलग जगह पे आने वाला है कि द डॉक्यूमेंट्स विल बी ऑथराइज्ड बाय द बाय वे ऑफ कॉमन सील, बट इफ देयर इज नो कॉमन सील देन 2 डायरेक्टर्स विल साइन इट, बट इफ द कंपनी हैज अ कंपनी सेक्रेटरी देन 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी विल साइन इट। जिन लोगों ने नहीं सुना फिर से बता रहा हूं, सुन लो क्या कहा मैंने, सीधा बैठो, क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि अगर एक कंपनी में कॉमन सील है तो तुम कॉमन सील यूज कर लो, पर अगर कॉमन सील नहीं है तो मैं ये डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कैसे करूं? क्या बोला मैंने? ऑथेंटिकेट कैसे करूं, मतलब इस डॉक्यूमेंट को वैलिड कैसे बोलूं मैं? बाय ईदर सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड 1 सीएस वेयर CS has been appointed। एक सवाल पूछूंगा, गलत जवाब दोगे, लगा रहे हो शर्त? पक्का पक्का? ठीक है, 100 रुपए की शर्त लगी, नहीं लगी ठीक है, सुनो बाद में लगाना, अभी सुन लो। अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड और उसमें एक सीएस अपॉइंटेड है, ये भाई अपना सीएस है, क्या नाम है भाई तेरा? श्रुजय, श्रुजय नाम का है अपना सीएस। मेरे को एक बात बताओ, सीएस है पर फिर भी हमने क्या बोला, सीएस नहीं, 3 डायरेक्टर साइन करेंगे। कितने? 3 डायरेक्टर साइन करेंगे और इस डॉक्यूमेंट को वैलिड करेंगे। क्या सीएस के सिग्नेचर के बिना ये डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा? यस और नो? तुमने बोला यस, रुक जाओ, हाँ तुमने बोला यस कि नो? चलो आगे चल करके एक सेक्शन 20 हम पढ़ेंगे, वहां पे बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन भी ले लेंगे, बट द आंसर इज नो। The answer is no. क्या मतलब? लॉ कहता है अगर दो, लॉ कहता है दो ही केस है भाई, लॉ कहता है दो ही केस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या है कि दो डायरेक्टर क्या करेंगे, साइन करेंगे। केस नंबर 2 क्या है, लेकिन अगर एक कंपनी में सीएस है तो कौन साइन करेगा, एक सीएस और एक डायरेक्टर, मतलब सीएस का साइन मैंडेटरी हो गया। अब तुम मेरे को बताओ, जब तुम्हारे कंपनी में सीएस है तो तुम केस नंबर 1 में जाओगे कि केस 2 में जाओगे? तुम तो भाई डिफॉल्ट केस 2 में आ गए, तो तुम्हारे लिए यही प्रोविजन रेलेवेंट है जहां पे इन्होंने क्या लिखा है, वन डायरेक्टर एंड, इन्होंने वर्ड क्या यूज कर दिया, एंड, मतलब सीएस का सिग्नेचर क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो यहां पे सीएस का सिग्नेचर मैंडेटरी है। अरे समझे क्या? यस सर। पर ये आपने लिख लिया ऊपर, अब आगे बढ़ो। ये कंपनी का डेफिनेशन हो गया। अब सर कंपनी के डेफिनेशन के साथ एक और सेक्शन आता है 2 क्लॉज 11, बोलो सर। डायरेक्टर ही अगर सीएस रहा तो क्या, अगर मान लो ये जो श्रुजय है ये सीएस भी है और ये डायरेक्टर भी है, तो क्या ये अकेले साइन कर देगा तो हो जाएगा? दो सिग्नेचर लगेगा, ये सीएस के कैपेसिटी में साइन कर ले तो कोई और डायरेक्टर के कैपेसिटी में करेगा, ये डायरेक्टर की कैपेसिटी में कर रहे हैं तो कोई इसी और को सीएस के कैपेसिटी में करना पड़ेगा, ये अपने नहीं। तो क्या होता है भाई, तुम समझो, अगर सीएस है तो 2 सिग्नेचर लगेगा, एक सिग्नेचर इसका और एक डायरेक्टर का। अब यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, इसने जो पूछा, क्या पूछा इसने कि सर अगर एक ही बंदा डायरेक्टर और सीएस है तो क्या वो अकेला साइन नहीं कर सकता? हो गया, लेफ्ट साइड में मैंने सिग्नेचर मारा सीएस के कैपेसिटी में, राइट साइड में डायरेक्टर के कैपेसिटी में। लॉजिकली गलत नहीं है, लॉजिकली गलत नहीं है, पर भाई जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर है ना, वो कहते हैं देयर इज अ रूल, रूल ऑफ, लिखना मत सुनना, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या? मतलब लॉ को ना उसका इंटेंट समझ करके इंटरप्रेट करो। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई वो समझो तुम। इन्होंने कहना क्या चाहते हैं वो कैसे समझे हम? इन्होंने पहले क्या कहा, 2 डायरेक्टर से साइन करवाना, मतलब ये लोग 2 लोगों को लाना चाहते हैं कि नहीं पिक्चर में? हाँ, अगर तुमने एक ही जने से साइन करवा दिया जो सीएस और डायरेक्टर है तो क्या पर्पस डिफीट हो गया इनका? हाँ सर। तो तुम लॉ को मत हराना भाई। लॉ का पर्पस क्या था, 2 लोग साइन करो, अगर 2 डायरेक्टर हो तो वो साइन कर लो, पर सीएस हो तो एक सीएस और एक डायरेक्टर साइन कर लो। तो 2 लोगों को इन्वॉल्व करना। 2 लोगों को क्यों इन्वॉल्व किया सर? ताकि फ्रॉड होने के चांसेस कम हो। अरे समझे क्या, 2 लोगों को क्यों इन्वॉल्व किया? अरे मैं अगर अकेला बंदा सीएस भी हूं और डायरेक्टर भी हूं और मेरी सिग्नेचर की अगर बहुत ज्यादा वैल्यू है तो मैं तो साइन करके बेच दूंगा नहीं, प्रॉपर्टी अपने दोस्त को बेच दूंगा और बोलूंगा तो मेरे को कैश में पेमेंट कर देना। तो इसलिए हमने क्या बोला, 2 डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। ये बता के मैं तुमको कौन सा पॉइंट बताना चाहता हूं, दैट हाउ डू यू इंटरप्रेट लॉ, यू कैन नॉट ट्राई टू डिफीट लॉ। तुम जब भी सोच रहे हो ना ये करूं कि ये करूं, तो वो करना जो लॉ का इंटेंट सैटिस्फाई करता है। इंटेंट क्या है, 2 लोग का इन्वॉल्वमेंट, वो तू कर ले, नहीं तो केस लॉस होगा, फिर जाके कोर्ट में लड़ोगे। पर कोर्ट में लड़ोगे तो क्या फायदा, अल्टीमेटली कोर्ट भी यही बोलेगा कि लॉ का इंटेंशन क्या था। पर सर लॉ के इंटेंशन के पहले एक और रूल आता है, वो रूल है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब जो लिखा है उसको एज इट इज अप्लाई करो, तुम उसके अलावा लेफ्ट और राइट डिविएट नहीं करोगे। पर अगर कभी जो लिखा है ना उससे क्लियर मीनिंग नहीं आ रहा हो, तुमको लग रहा हो कहना क्या चाहते हो भाई, तो उस केस में तुम क्या करोगे, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन की तरफ चले जाओगे। अरे समझे क्या? यस। तो मैंने तुमको 2 रूल भी बताया, पहला क्या है, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, दूसरा रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। पहला क्या है, रूल ऑफ, फिर से पूछूंगा मैं, ठीक है, बोल देना, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, दूसरा रूल ऑफ, समझे क्या? यस सर। ये आपके रूल्स हो गए। अब वापस आ जाओ, मैंने आपको कंपनी का डेफिनेशन लिखाया, क्या तुमने लिख लिया कंपनी, कॉमन सील भी लिख लिया, 2 डायरेक्टर और एक डायरेक्टर और सीएस भी लिख लिया। अब आगे लिखो सर, जैसे कंपनी होता है ना वैसे एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं बीसी। बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। लिखो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है सर? बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 2 क्लॉज 11। कोई है जो मेरे को बता सके बॉडी कॉर्पोरेट क्या होते हैं? पढ़ा है यार बचपन में, इतना तो पढ़ा ही है। यस सर प्लीज। उन्होंने बोला कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी जो इंडिया के बाहर फॉर्म हुई है लेकिन इंडिया में बिजनेस भी कर रही है। ठीक है, बैठ जाओ। और कोई? एनीवन एल्स? सर आप बताइए बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? ठीक है, जो बॉडी कंपनी को रन करती है। नहीं, आप बताइए। ठीक है, आप बताइए मैडम। ठीक है, बोलिए मैडम लास्ट। डज नॉट, आपका आपको नोट्स मिला है? नोट्स, नोट्स खोलो एक बार, डेफिनेशन रीड करते हैं। नोट्स खोलो, पेज नंबर 1.3 में आ जाओ। उसमें क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अपने नोट्स पे आओ, लिखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ। बॉडी कॉर्पोरेट includes, body corporate includes a company incorporated outside India। बस अभी इतना ही लिखो, आगे का कुछ नहीं लिखना। includes a company incorporated outside India। अब सर इन्होंने क्या बोला? it includes a company incorporated outside India। मैं तुमको 3 कंपनी का नाम बोलूंगा, तुम बताओगे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हैं कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। पहला आईटीसी, आईटीसी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। दूसरा टेस्ला, आउटसाइड इंडिया। तीसरा फेसबुक। सर ये जो आप इंडिया और आउटसाइड इंडिया बोल रहे हो, ये तुम फील लेके बोल रहे हो क्या फेसबुक तो बाहर की कंपनी है, ये तो इंडिया की कंपनी है? ऐसा नहीं। तुम जब एक कंपनी बनाते हो ना, तुम सबसे पहले पूछते हो कि मैं इसको कहां पे रजिस्टर करवाऊं भाई, मैं इसको इंडिया में इनकॉर्पोरेट करवाऊं कि मैं इसको जाकर के यूएस में इनकॉर्पोरेट करवाऊं। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट इन्होंने इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया, पर इन्होंने पहले क्या सोचा था कि फ्लिपकार्ट जो है हम इंडिया में नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, पहले हम इसको यूएस साइड में इनकॉर्पोरेट करेंगे, वहां पर हम अपना बिजनेस सेट करेंगे। क्योंकि उस समय पे आपका वो वाला बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा था अलीबाबा का। अलीबाबा सुना है तुमने नाम? हाँ, तो अलीबाबा का बिजनेस को टक्कर देने के लिए इन्होंने बोला हम फ्लिपकार्ट बाहर खोलेंगे, पर इन्होंने खोला नहीं। क्यों? क्योंकि भैया जो इंडियन कंपनी सब बाहर जाकर के खोल रहे थे ना, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बहुत बढ़ जा रहे थे। तो बोले भाई जब इतना ही रूल्स और रेगुलेशन कंप्लाई करना है तो इंडिया में ही कर लो, इंडिया से भाग क्यों रहे थे हम? तो इन्होंने क्या किया? इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया। सो नाउ अ कंपनी, ऑल द पीपल, एवरीवन हु रन द कंपनी कैन बी एन इंडियन पीपल। But if it is incorporated outside India, then it is a company incorporated outside India, और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट हल्का है, 2 मिनट लगेगा, लेवल अप हो जाएगा। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट्स को, बेस को संभाल के चलना। अंदर से वो फीलिंग मत आने दो अरे ये तो बहुत बेसिक है भाई, मैं इतना टाइम नहीं डालता अगर बहुत बेसिक होता। धीरे से जब लेवल अप हो जाएगा बोले हैं ये क्या हो गया, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे समेट के दूंगा मैं आपको। तो मेरी हर बात सुनो। कंपनी में क्या लिखा था? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस लॉ। यहां पे क्या लिखा है? मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पर एक फर्क देखो, ऊपर ना डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज था? मींस। यहां पे क्या वर्ड यूज है? इंक्लूड्स। दोनों में फर्क क्या होता है सर? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस, वन इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एंड द अदर वन इज, पहला होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और दूसरा है इंक्लूसिव डेफिनेशन। दोनों में फर्क क्या होता है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब अगर हमने लिखा कि भैया रिलेटिव के डेफिनेशन में मान लो मम्मी आते हैं, पापा आते हैं, भाई आता है, बहन आती है, बस हमने लिखा कि रिलेटिव के डेफिनेशन में मम्मी आती है, पापा आते हैं, भाई आती है, बहन होती है, और हमने क्या लिख दिया, रिलेटिव मींस मम्मी, पापा, भाई, बहन। अब मेरे को बताओ, अगर ये तुमने रिलेटिव का डेफिनेशन रखा है तो क्या वाइफ को भी रिलेटिव बोलोगे? क्यों? हो तो सकता है ना यार, हो तो सकता है ना। नहीं, तुम नहीं बोलोगे। क्यों? बिकॉज दिस इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। हमने बोल दिया भाई यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पर अगर मैंने रिलेटिव के डेफिनेशन में मैंने लिखा रिलेटिव इंक्लूड्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसका क्या मतलब? अगर मैंने लिखा रिलेटिव इंक्लूड्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ये क्या हो गया, इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या मैं बोल सकता हूं ये एक तरह का क्लैरिफिकेशन है कि रिलेटिव में लोगों को पता है मम्मी पापा भाई बहन तो आते हैं, वाइफ भी आती है, पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी हम रिलेटिव बोलना चाहते हैं, तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया। तो सर ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो गया, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गया। अब यहां पे अगर मैं आपको पूछूं कि आप वाइफ रिलेटिव होती है तो तुम बोलोगे हां। क्यों? रिलेटिव एज सच डिफाइंड नहीं है तो हम फील लेंगे रिलेटिव में वाइफ आ जाती है, पर उस केस में नहीं, क्योंकि वहां पे पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट दिया हुआ है। अरे समझे क्या द डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव? तो अगर आप कंपनी का डेफिनेशन देखोगे ना तो कंपनी का डेफिनेशन बहुत एग्जॉस्टिव है। उन्होंने लिखा कंपनी मतलब भाई वही जो इंडियन है, जो इंडिया में बने वही कंपनी है। पर बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में देखो, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हाँ कि नहीं? आगे इन्होंने लिखा, देखो मेरे साथ, बट इट डज नॉट इंक्लूड, पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको ये एग्जाम्पल लिखो उसके नीचे जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है? पहला कंपनी नेम, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इज इट अ कंपनी, इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट, केस 1, केस 2, केस 3। पहला केस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मेरे को बताओ क्या ये कंपनी है? इज इट अ कंपनी? यस। इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट? क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? अरे बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये कहां पे इनकॉर्पोरेट हुआ है? इंडिया में। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ है। क्यों सर? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट उनको भी इंक्लूड करता है जो इंडिया के बाहर के हैं, पर इंडिया वालों को तो पहले इंक्लूड करता है ना। इंडिया में जितने कंपनीज है वो तो बीसी है, बॉडी कॉर्पोरेट है ही, पर इंडिया के बाहर वाली कंपनीज भी जो है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हो जाते हैं। दूसरा, यस बोलो, यहां पे इसमें किसी को डाउट? बोलो मैडम। ये कहां लिखा है कि इंडिया में जो इनकॉर्पोरेट हो रखे हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट है? जब मैंने तुमको रिलेटिव के डेफिनेशन में बताया कि रिलेटिव इंक्लूड्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तब ये कहां लिखा था कि वाइफ रिलेटिव के डेफिनेशन में आएगी? ये कहां लिखा था कि मम्मी पापा रिलेटिव में आएंगे? पर वो आए ना। क्यों? क्योंकि भैया हमको पता है, लॉ क्या कहना चाह रहे हैं समझना, लॉ कहना चाहता है कि हमको पता है मम्मी पापा को तो तुम रिलेटिव के डेफिनेशन में लो गई, पर तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं ले रहे थे, हम उसको लेना चाहते हैं, इसलिए हमने डेफिनेशन बताया रिलेटिव इंक्लूड्स। अब मान लो, सुनो, अब आप क्या बोलोगे? मान लो आप लड़ाई करने लग गए कि रिलेटिव के डेफिनेशन में वाइफ नहीं आएगी, मैं लड़ाई कर रहा हूं रिलेटिव के डेफिनेशन में वाइफ आएगी, तो दोनों चलेंगे कोर्ट में, फिर केस लॉ होगा, और केस लॉ में जो डिसाइड होगा वो फाइनल होगा। तुमको क्या लगता है क्या डिसाइड होगा? यही डिसाइड होगा कि इंक्लूड होंगे। क्योंकि क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब तुम्हारे कंपनीज एक्ट में रिलेटिव नहीं डिफाइंड है तो तुम कहां जाओगे? तुम जाओगे जनरल क्लॉज एक्ट में। कहाँ जाओगे? जनरल क्लॉज एक्ट में। तो जैसे कंपनीज एक्ट में अगर बॉडी कॉर्पोरेट की क्लैरिटी नहीं है, तुमको लग रहा है भाई बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी आएगा, ऐसा कहाँ लिखा है? वैसे तो क्लियर है, कोई डबल इंटरप्रिटेशन है ही नहीं, पर तुमको फिर भी अगर कंफ्यूजन हो ना तो तुम दूसरे भी एक्ट्स उठा करके देखोगे कि भैया इनकम टैक्स में क्या लिखा है इन्होंने, कि भैया जीएसटी एक्ट में क्या लिखा है, ताकि तुमको समझ आए कि लॉ का इंटेंट क्या है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इंक्लूड होगा। एम आई क्लियर? क्या आपको मैडम का डाउट समझ आया? पक्का? ठीक है। तो सर ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा, ट्विटर, US, is it a company? Is it a company? It is not a company. But क्या Twitter BC है? तुम बोलोगे नहीं, उसका मालिक है। Sorry, तुम क्या बोलोगे? Twitter नहीं है, Elon Musk। Twitter body corporate है कि नहीं है सर? Yes, it is a body corporate. Why? Is it incorporated in India? क्या वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है? नहीं। ट्विटर कहां पे इनकॉर्पोरेट हुआ है? ट्विटर बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? सो इट इज नॉट अ कंपनी बट इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरा, सर फेसबुक है, सुनना ध्यान से, फेसबुक है, फेसबुक का ना इनकॉर्पोरेशन यूएस में है, लेकिन इंडिया में ना उसका ऑफिसेस है बहुत सारे। इंडिया में क्या है? बहुत सारे ऑफिसेस है। अब मेरे को बताओ क्या ये कंपनी है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? इज इट अ कंपनी? सबसे पहले क्या कंपनी है क्या? द आंसर इज नो। क्यों भैया? तुम कहां पे जाकर के इनकॉर्पोरेट हुए थे? तुम बाहर। तो तुम इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हो, तुम कंपनी नहीं हो, पर क्या तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो? आर यू अ बॉडी कॉर्पोरेट? यस सर। बट फिर बात बताओ सर, ट्विटर और फेसबुक में आपके वाले एग्जाम्पल में फर्क क्या है? प्लीज थोड़ा सा समझना। लेट मी तुम लोग चेंज करना चाहो तो कर लो। लेट मी चेंज दिस। ट्विटर की जगह मेरे को यहां पे टेस्ला लिखने दो। क्या लिखने दो? टेस्ला। अब तुम फर्क समझना प्लीज। मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर दूसरे वाले केस में टेस्ला है, तीसरे वाले केस में फेसबुक है, ये दोनों एग्जाम्पल में फर्क क्या पड़ गया? ये दोनों बाहर बने हैं, दोनों इंडिया में नहीं बने हैं, दोनों में अपेरेंट फर्क क्या है? फर्क एक दिख रहा है आपको कि फेसबुक का इंडिया में ऑफिस है। हाँ, अब सर ये जो दूसरा वाला है ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तीसरा वाला भी बॉडी कॉर्पोरेट है, पर सर होगा क्या समझना? टेस्ला का मालिक कौन है? इलॉन मस्क। अगर मैं इलॉन मस्क के पास जाके बोलूंगा कि भाई आज से तू बॉडी कॉर्पोरेट है, तेरे को कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, क्या वो मानेगा? क्या वो मानेगा? क्या नहीं। तुमको एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं, तुमको पता है पिछले बहुत सालों से इंडिया चाहता है कि इलॉन मस्क जो है वो टेस्ला यहां पे इंडिया में लाए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करे और इंडिया में टेस्ला की, तुमको इंडिया में टेस्ला की गाड़ी दिखती है क्या? नहीं। हमने बोला भाई आ करके मैन्युफैक्चरिंग कर, वो बोला मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से नहीं करूंगा, मेरे को कॉस्टली पड़ेगा, मैं सिर्फ इंडिया में गाड़ी बेचना चाहता हूं। हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो बेचने देंगे, वो बोला मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा। तो 1.5 साल से लड़ाई चल रही है, वो बोल रहे हैं मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा, हम बोल रहे हैं तो हम बेचने भी नहीं देंगे। अब पिछले महीने जुलाई के महीने में इलॉन मस्क मान गया कि भाई ठीक है, हम इंडिया में एक यूनिट खोल देंगे मैन्युफैक्चरिंग का और हमको गाड़ी बेचने दे दो। पर अब तुम भूल जाओ, वो वाला इवेंट हुआ है, भूल जाओ, तुम उसके पहले चले जाओ। इंडिया में टेस्ला का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं था, ना वो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ना वो यहां पे धंधा कर रहे हैं। अब मैं उसको जाके बोलूंगा मैं तेरे को कंपनीज एक्ट लगाएगा, वो मानेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा चलते बनो। तो बॉडी कॉर्पोरेट जो टेस्ला है ना, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते कंपनीज एक्ट। लेकिन फेसबुक की बात समझो। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी होगा, ठीक है, मेरी बात सुनो। टेस्ला का यहां पे हुआ भी होगा, मेरे एग्जाम्पल में हुआ क्या? नहीं ना। तुम भावनाओं को समझो, मैं क्या प्रोविजन समझा रहा हूं वो समझो। टेस्ला जो है ना वो आपका बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको प्रोविजन अप्लाई नहीं कर सकते, पर फेसबुक को अगर तुम जाके बोलोगे फेसबुक तेरे को कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, क्या वो मना करेगा? क्या वो मना करेगा? तो तुम क्या बोलोगे? तो इंडिया में काम क्यों कर रहे? तेरे को अगर इंडिया के, इफ यू डोंट वांट टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ द लैंड देन व्हाई आर यू डूइंग बिजनेस हियर, टेक आउट योर बिजनेस। तो इसलिए हमने क्या बोला, ये दोनों कंपनी में डिफरेंशिएशन है दोनों बाहर की कंपनी, पर इसमें थोड़ा सा तो भी इंडियन है। तो सर ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे पता है? दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट आई विल टेल यू समथिंग, अ बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया विल बी कॉल्ड अ फॉरेन कंपनी। क्या कहा मैंने? फॉरेन कंपनी। अब आप अपने नोट्स में ये एग्जाम्पल लिख लिए क्या? ये लिख लिए ना, इसके नेक्स्ट में डालो। हाँ, इसके नेक्स्ट में डालो हेडिंग फॉरेन कंपनी, ब्रैकेट में डालो सेक्शन टू क्लॉज 42। फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड outside India having a place of business in India and carrying on business activity foreign huh? टेस्ला का बिजनेस नहीं है ना, तो फॉरेन अभी तुम समझो, तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जब तुम कोई भी कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलना चाहो ना, तुम ये समझ लेना जैसे ही मैंने फॉरेन कंपनी बोला उसको कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। आज तुम टेस्ला पे प्रोविजन लगा सकते हो क्या? वन ऑफ द प्रोविजन, आई विल टेल यू वन ऑफ द प्रोविजन क्या है। वन ऑफ द प्रोविजन इज कि कंपनी तो अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस बना और लेकर के आरओसी के पास फाइल कर। आज तुम टेस्ला को बोलोगे कि मेरे इंडिया में आके तू अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर, वो करेगा क्या? बोलेगा पागल हो गए हो क्या? वो बोलेगा आज तुम आके बोल रहे हो, कल चाइना आके बोलेगा, फिर थाईलैंड आके बोलेगा, सब लोग आके बोलेंगे क्या मेरे इधर फाइल कर, मेरे इधर फाइल कर। क्या हर जगह फाइल करते बैठेंगे क्या? नहीं। तो तुम किसी को भी फॉरेन कंपनी बोलने वाले हो ना, तो तुम उससे बदले में क्या मांग रहे हो कि तुम्हारा इंडिया में धंधा होना चाहिए। अगर इंडिया में धंधा है तो तुम उसको हक से क्या बोल सकते हो, मेरी बात मान, नहीं तो धंधा उठा के चलते बन। तो यहां पे मैंने क्या बोला सर, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड outside India having a place of business in India and carrying on business activity। अरे समझे क्या? यहां पे नीचे लिखो to be discussed, to be discussed in detail in chapter 11। तुम्हारे सिलेबस का chapter 11 वहां पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि अभी तो मैंने तुमको ऊपर ऊपर से बताया कि भैया ये क्या होता है, पर इसके अंदर बहुत डेप्थ है। ये एक सेक्शन पढ़ने में ही हमारी जान निकल जाएगी, एक दिन एक सेशन पूरा ये सेक्शन पढ़ने में जाएगा क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ है। पर तुम एक चीज समझे क्या सर, कंपनी, बीसी और फॉरेन कंपनी में फर्क होता है। मैं एक चीज बताऊं राजा, कभी कभी क्या होता है, पूरा एक फ्लो में मैंने समझाया ना तुमको, बीच का एक छोटा सा भी फ्लो टूटता है ना तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट छूट जाता है। पर क्लास में इतनी सी हिम्मत रखो कि क्लास में या फिर जो लोग ऑनलाइन भी है, इतनी सी हिम्मत रखो कि रेज योर हैंड्स एंड यू आस्क योर डाउट्स। इफ आई फील इट इज वेरी इजी टू टेक, क्या क्या होगा, तीन चीजें हो सकती है। मेरे को लगेगा इजी टू टेक है, मैं तुरंत लेके आपको बैठा दूंगा। मेरे को लगा नहीं भैया थोड़ा लंबा समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको बोलूंगा क्लास के बाद मिल करके पूछ लेना या ऑनलाइन वाले क्लास के बाद पूछ लेना, पर तुम अपना डाउट्स तो रख दो। पर तीसरा केस ये भी हो सकता है जो तुमको नहीं समझ आया वो बहुत सारे लोगों को भी नहीं समझ आया, तो विल रिपीट ना। बट फॉर दैट यू विल हैव टू, देयर हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। आई कैन नॉट कम्युनिकेट अलोन, तुमको मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ सर आगे बढ़े कि फिर से समझाओ। देखो पूरे क्लास में 2 बच्चे 3 बच्चे तो ऐसे होंगे ही, फिर से समझाओ। वो ये भी नहीं बोलेंगे सर मैं सुन रहा था मैं बस हल्का हल्का, वो ये नहीं बताएंगे। पर अगर बहुत लोग बोले सर एक बार फिर से बता दो तो अपन बताएंगे, सो यू विल हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अरे समझे क्या? यस सर। तीन चीजें समझाई मैंने, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी। कंपनी क्या होता है, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई चुपचाप कंपनी बोल दो, और कंपनी बोलने पे क्या होगा, पूरा लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या मैं ऐसा करूं, टेबल बनाओ एक, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी। इनकॉर्पोरेशन कहां पे होगा, कंपनी का इंडिया में, बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में भी हो सकता है या आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है आउटसाइड इंडिया भी। कैसे? अरे रे, आउटसाइड इंडिया तो हो ही सकता है, लेकिन इंडिया वाला भी तो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा ना, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स। चलो ठीक है, कंफ्यूज मत हो। एक काम करो, लिटरल लिखते हैं, ठीक है, लिटरल आउटसाइड इंडिया। पर अगर इंडिया में भी इनकॉर्पोरेट हुए हो तो कंपनी बने, और कंपनी बने तो बाय डिफॉल्ट बॉडी कॉर्पोरेट बन गए। ये लाइन समझा क्या सर? ये लाइन नहीं समझा तो हाथ उठाना। मैंने क्या बोला, अगर तुम इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए, आर यू कॉल्ड अ कंपनी? यस। अगर तुम कंपनी हो ना तो बाय डिफॉल्ट तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो जाते हो। तुम बॉडी कॉर्पोरेट को यू समझ लो, बॉडी कंपनी, बॉडी कंपनी, तो उसमें कंपनी इंक्लूड होता है। लेट मी गो अहेड एंड से वन थिंग, एवरी कंपनी is a body corporate, but every body corporate is not a company। तो हमारे एग्जाम्पल में रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी भी था, बॉडी कॉर्पोरेट भी था, पर आपका जो टेस्ला है वो सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट था, वो कंपनी नहीं था। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट जनरली इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और फॉरेन कंपनी डेफिनेटली आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी तो इंडिया की कंपनी हो ही नहीं सकती, समझे क्या? यस सर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या एक कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना जरूरी है? इंडिया में होना जरूरी है। क्या बॉडी कॉर्पोरेट का इंडिया में होना जरूरी है? नॉट नेसेसरी। अगर आपका इंडिया में बिजनेस नहीं भी होगा तो चल जाएगा, पर फॉरेन कंपनी के लिए यस इट इज नेसेसरी। आपका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। एग्जाम्पल लिख लो सर, कंपनी का एग्जाम्पल तो बते रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री। बॉडी कॉर्पोरेट का एग्जाम्पल कोई भी आ जाएगा, उसमें कोई भी नाम बोलो आप, टेस्ला बोल लो, फेसबुक बोल लो, ट्विटर बोल लो, ठीक है। पर फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में फेसबुक आएगा, ट्विटर आएगा, पर टेस्ला नहीं आएगा। तो टेस्ला को लिख के काटो। टेस्ला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टेस्ला का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं कर रहा है। अरे समझे क्या सर? जब तक आपके फॉरेन कंपनी का फॉरेन कंपनी हमारे प्रोविजन सिलेबस में नहीं था ना, तब तक ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आता था। क्योंकि देखो ना, फॉरेन कंपनी अगर पिक्चर में ना आए तो कितना सिंपल है ना कि भैया इंडिया में बने तो कंपनी, इंडिया में बने तो कंपनी भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी, इंडिया के बाहर बने तो सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट, सिंपल। पर जब फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन आया तो प्लेस ऑफ बिजनेस का भी कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आप बाहर की कंपनी हो और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तभी आपको फॉरेन कंपनी बनाया जाएगा। इसके आगे एक और चीज लिखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी लॉ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी लॉ, फुल्ली एप्लीकेबल? हाँ, दूसरा ऑलमोस्ट नहीं, दूसरा नॉट एप्लीकेबल, तीसरा पार्शियली एप्लीकेबल। सर अभी सिर्फ फील समझो तुम, तो ही तुमको प्रोविजन समझ आएंगे। तुम समझो हम लोग अभी कंपनीज एक्ट किसको अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए हमने तीन डेफिनेशन निकाले, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी, जिसको तुम फॉरेन कंपनी जो सेक्शन 242 में डिफाइंड है। प्लीज समझना, कंपनी पूरी मेरी है। इंडिया क्या बोल रहा है? इंडिया का कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है? जो कंपनीज है ना, जो इंडिया में बने वो तो पूरे मेरे हैं। जो बाहर वाले बॉडी कॉर्पोरेट है ना, उसको दो हिस्से में डिवाइड कर। एक तो जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी मतलब क्या? तुम बोलोगे सर सारे ही तो बाहर के हैं, सारे ही फॉरेन कंपनी हुए। नहीं, तुम लिटरली समझो भाई, फॉरेन वाला वो नहीं समझो। फॉरेन कंपनी मतलब क्या? जो है बाहर की कंपनी पर धंधा इंडिया में कर रही है, उसको भी हम लाएंगे अपने कंट्रोल में। पर जो इंडिया कंपनी बाहर की है, धंधा भी बाहर कर रही है, इंडिया में कोई लेना देना नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए फुल्ली एप्लीकेबल, पार्शियली एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। समझा क्या? पक्का समझे? यस सर बोलो। हाँ, क्योंकि हमने यहां आउटसाइड लिखा रहा राजा। बॉडी कॉर्पोरेट में अच्छा सुनो, अगर एक कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो तुम सिर्फ ये कंपनी वाला कॉलम पढ़ो, तुम बॉडी कॉर्पोरेट वाला पढ़ो ही मत। तुम अगर बोलोगे कि कंपनी में कंपनी जो है, तू समझेगा तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे जो थे मैडम, हाँ ये कंफ्यूज हो जाएंगे, ये समझेंगे तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। सुनो मैं बताता हूँ, सुनो कंपनी जो है ना, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है? हाँ, पर अभी के लिए एक बार छोड़ दो। जब मैं बोलूँ कोई इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो तुम क्या बात करोगे? कंपनी की। जब मैं बोलूं इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो तुम क्या बात करोगे? बॉडी कॉर्पोरेट की। दोनों का अभी मिक्स मत करो, पर इन जनरल स्पीकिंग हर कंपनी जो होता है वो बॉडी कॉर्पोरेट होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन लिखा है, इट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर अगर एक सिंपल सी बात समझो, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को इंक्लूड करते हो, मतलब इसके अलावा और किसको इंक्लूड करोगे? जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए। अगर लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसके अलावा बचा कौन भाई? जो इंडिया वाले हैं, तो उसको तो इंक्लूड करोगे ही ना। अरे समझे क्या? यस सर। ये आपका तीनों डेफिनेशन था, ये चार्ट बना लिया तुमने, ये डब्बा बना लिया तुमने। अब आगे बढ़ो सर, मेरी बात सुनो, नोट्स में एक चार्ट बनाओ, टाइप ऑफ कंपनीज डालो हेडिंग, टाइप ऑफ कंपनीज का हेडिंग डालो। आनंदी पूछ रही है फॉरेन कंपनी में पार्शियली कैसे अप्लाई होता है सर लॉ? वो अपन जब फॉरेन कंपनी का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं तुमको बताऊंगा कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। पूरा कंपनीज एक्ट उनको अप्लाई नहीं होता है, सिलेक्टिव सेक्शंस अप्लाई होते हैं, वो मैं तुमको आगे बता दूंगा। हाँ राजा बोलना। सर ये पूछ रहे हैं कि Amazon है बाहर की कंपनी, ऑपरेट भी पूरा बाहर से कर रहा है, तो मैंने तुमको यहाँ पे फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में नीचे एक लाइन लिखा है टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल लेटर। तो मैंने फॉरेन कंपनी का तुमको पूरा डेफिनेशन भी नहीं लिखा है, मैंने टुकड़ा डेफिनेशन लिखा है। तो जब आगे का पढ़ेंगे तो तेरे को समझ आ जाएगा कि अगर तेरा इंडिया में वर्चुअल प्रेजेंस भी है ना तो भी तू फॉरेन कंपनी बन जाएगा। ये हम आगे चल के समझेंगे कि इंडिया में तुम्हारा ऑफिस नहीं है पर तुम्हारा वर्चुअल प्रेजेंस है। मान लो फेसबुक का कोई ऑफिस नहीं होता पर फेसबुक का वर्चुअल प्रेजेंस होता ना तो भी उसको हम फॉरेन कंपनी बोल देंगे। ये आगे चल करके हम डिटेल में समझेंगे। पर सर ये वाला टाइप ऑफ कंपनीज अभी पढ़ना शुरू करेंगे। तुम लोगों ने ये चार्ट बनाना है, ये चार्ट देखो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, और इस तरीके से तुम लोग लिखना शुरू करो। टाइप ऑफ कंपनीज डालो हेडिंग। यश बॉडी कॉर्पोरेट में क्या बताऊं, बॉडी कॉर्पोरेट तुम लोग लिखो और ऑनलाइन वाले भी जो बच्चे देख रहे हैं तुम लोग लिखना शुरू करो, तब तक मैं ऑनलाइन वालों का डाउट लेता हूं। यश बॉडी कॉर्पोरेट बेसिकली वो होते हैं जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। सिंपल, कंपनी मतलब इंडिया वाले और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इंडिया के बाहर वाले। वो छोड़ दो, वो लाइन मैंने पाप कर दिया वो बोल के कि ऑल कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट और ऑल बॉडी कॉर्पोरेट आर नॉट कंपनी, पाप है मेरा, ठीक है, साफ कर दो। तुम सिर्फ ये समझो इंडिया में हुआ तो कंपनी, इंडिया के बाहर हुआ तो बॉडी कॉर्पोरेट। समझे क्या यश? सर ये जो ब्रैकेट में मैंने नंबर लिखा है वो क्या है? क्लॉज। तुमको चाहिए तो उसके आगे, सबके आगे 2 लगा लो, 2 ब्रैकेट 91, 2 ब्रैकेट 88, पर तुमको लगेगा नहीं अभी, तुमको शुरू में लग रहा है, बाद में नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं है राघव, फैन नहीं है। अबे सालो यहां से बैठ के बोल रहे हैं यहां पे कि फैन ऑफ कर दो। हे भगवान, हे भगवान, मेरे सारे कर्म है रे, ये मेरे सारे बचपन के कर्म है जो मैंने अपने टीचर को परेशान किया ना, ये घूम के आया मेरे पे। फैन ऑफ करूं मैं बैठ के? फिर तुम बोलोगे सर एसी कम कर दो, फिर इधर वाले बोलेंगे सर लाइट धीमी कर दो थोड़ी सी, एसी बढ़ा दो और आंखें बंद करवा दो, मेडिटेशन ही कर लेते हैं। थोड़ा रुक जा, श्री आएगा ना कर देगा ना, प्लीज। मेरे को थोड़ी स्विच पता है, मैं कल सीखेगा, पर अभी थोड़ा सा क्लास का फ्लो टूट जाएगा। राजा लाइट, किसी को लाइट वाइट बंद करवानी हो तो भेज दो यहाँ पे, यूट्यूब खोल के भेज रहे। अरे बस ना, तुम ये लिखो चुपचाप, बस इसलिए मैं नहीं छेड़ रहा था, लिखो चुपचाप। इन्होंने पूछा सर सेक्शन लिखना कंपलसरी है क्या? जी हाँ, सेक्शन लिखना बहुत मैंडेटरी है और तुम लिख भी लोगे आसानी से, तुम उसकी टेंशन मत लो। वंशिका, जब मैं आऊंगा उसके डेफिनेशन पे तो मैं आपको बताऊंगा। हर्ष, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है राजा, मैं क्लास के बाद ले लूंगा। सर एक बहुत रीजनेबल क्वेश्चन आया है, ये वाला जो चार्ट हमने बना रहे हैं ये मैं स्क्रिबल नोट्स में लिखूं कि फेयर नोट्स में? तुमने अभी स्क्रिबल नोट्स का कॉन्सेप्ट शुरू भी नहीं किया है अपन ने। तुम जो सारी चीज़ें लिख रहे हो अब वो तुम्हारे फेयर नोट्स ही है। स्क्रिबल नोट्स का कॉन्सेप्ट जब अपन क्लास में चार्ट्स वार्ट्स बनाना शुरू करेंगे तब शुरू होगा। अभी सारी चीजें आपके फेयर नोट्स में आएगी, कॉन्सेप्ट नोट्स में मतलब। ऑनलाइन वालों तुम्हारा हो जाए तो मेरे को बता देना। हो गया तो मेरे को बताओ ना, बातें क्यों कर रहे हो गया? लिख के हो गया? सर ये क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, 4 मार्क का क्वेश्चन। हेलो 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 सर, ए ऊपर नीचे मत करवाओ रे, हो गया ना? हाँ सुनो मेरी बात सुनो, क्यों हंस रहे भाई? सुनो, कहां से हो आप? जलगांव, ठीक है। कौन कौन है जलगांव से यहाँ पे? हाथ उठाओ। कल उठाया था आप लोगों ने, वो शर्म के बारे नीचे कर दे रहा है, बोले नहीं इसमें नहीं उठाएंगे हम। सुनो मेरी बात दोस्तों, आप लोगों के टाइप ऑफ कंपनीज में एक 4 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, चाहे वो कुछ भी पूछ ले कि सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, कुछ भी पूछ ले, पर आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। और इतने ही बस कंपनीज अपन पढ़ लेंगे तो अपने को वो 4 मार्क अपने हाथ में। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे टाइप ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो अपने नोट्स में हेडिंग डालो, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स सर जनरली 3 तरह की कंपनी होते हैं। पहला क्या मैं बोलूं, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। दूसरा प्राइवेट कंपनी। तीसरा पब्लिक कंपनी। जनरली ये 3 तरह की कंपनीज होते हैं। कोई मेरे को सोच के बता सकता है 1 पर्सन कंपनी में कितने मेंबर्स होते होंगे? नाइस तो 1 पर्सन कंपनी मतलब 1 मेंबर वाली कंपनी है। उसके बाद आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? अच्छा प्राइवेट कंपनी का एक और नाम भी होता है, कोई बता सकता है? वाह वाह, प्राइवेट कंपनी का स्मॉल कंपनी। बोले सर हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, आप सवाल पूछोगे तो जोड़ के जो बनेगा हम बता देंगे। क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्या आपने ये सुना है कभी? क्लोजली हेल्ड कंपनी, अरे तो सुना होता तो राजा कल एग्जाम ना लिख देते इंटर का। सीखने आए हो ना, पढ़ो। प्राइवेट कंपनी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी। और उसके बाद तीसरी कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी। आपका प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, पब्लिक कंपनी डिफाइंड है 2 क्लॉज 71 में, और 1 पर्सन कंपनी डिफाइंड है 2 क्लॉज 62 में। सर क्लॉजेस कैसे याद होंगे? अभी तो जिसका मैं बता रहा हूं उसका याद करो, प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट कंपनी कहां पे डिफाइंड है? 2 क्लॉज 68। एक बार जोर से बोलो कहां डिफाइंड है? 2 क्लॉज 68। तुमने 2 सेक्शन अभी तक पढ़े ऑलरेडी, 2 क्लॉजेस, एक तो कंपनी और एक बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी कहां पे डिफाइंड था? तुमको याद है, तुम याद करो। 2 क्लॉज 20 कहां पे डिफाइंड था? 2 क्लॉज 20। और बॉडी कॉर्पोरेट कहां पे डिफाइंड था? 2 क्लॉज 11। 2 हुआ है। तीसरा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइवेट कंपनी, 2 क्लॉज 68। लिखो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68, ब्रैकेट में फिर से लिखो, मीन्स अ कंपनी having paid up share capital as may be prescribed and which by its articles नीचे इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करना। पहला रेस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू डैश, तीसरा प्रोहिबिट्स इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। रेस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा except in case of OPC, limits the number of members to dash, and तीसरा prohibits invitation from public for subscription। ये आपका प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है। सर एक एक वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट कर ले। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? बचपन में एक तो पढ़ा है क्या सीए फाउंडेशन में तुम लोगों ने? हाँ सर। डायरेक्ट एंट्री वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ। तुम लोगों ने पढ़ा है क्या सीए फाउंडेशन में? डायरेक्ट एंट्री में तुमने पढ़ा है ये वाला डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी का? पढ़ा है? हल्का हल्का पढ़ा है। छोड़ दो, जो भी पढ़े भूल जाओ, अभी मेरे तरफ ध्यान दो, जीरो से स्टार्ट कर रहे। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या होता है दोस्तों, मेरी बात सुनो। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या सर? पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कंपनी में जो पैसे लगे होते हैं उसको हम पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। आगे चल के थोड़ा कल की क्लास में या अभी टाइम बचेगा तो अपन समझेंगे कि ऑथराइज्ड, इशूड, पेड अप, कॉल्ड कैपिटल सब क्या होता है। पर पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है वो अपन समझेंगे। पर पेड अप शेयर कैपिटल कितना? जितना प्रिस्क्राइब्ड होगा। पहले के जमाने में, पहले के जमाने में मतलब भिड़े भाई के जमाने में। भिड़े भाई कौन? आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो भिड़े भाई के जमाने में क्या होता था, यहां पे एक नंबर लिखा हुआ था कि having minimum paid up share capital of 1 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस। फिर इनको समझ आया क्यों ये किचकिच करना, किसको दे दो ताकत, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट तू प्रिस्क्राइब कर लेना। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक प्रिस्क्राइब किया है? नहीं प्रिस्क्राइब किया है, तो यहां पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। हाश, एक चीज कम याद करने को, ठीक है। पर यहां पर क्या लिखा है, कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। जब तक वो प्रिस्क्राइब ना करे तब तक ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता है। पर उसके आगे का पॉइंट सुनो, Which by its आर्टिकल। सर आप अभी इंटर क्लियर करने के बाद क्या करोगे? आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप में तुमको क्या बुलाएंगे? आर्टिकल। ये वो वाला एक्सप्लेनेशन हो गया, वो आता था ना खिचड़ी, वो खिचड़ी कौन सा वो आता था, कल मैं सीख के आके बताऊंगा तुमको। Which by its आर्टिकल्स। सर ये कौन सा आर्टिकल्स है, ये कौन सा आर्टिकल है बोलना? ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। जब आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स लेते हो। कितने? 2। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुनो, जिनको नहीं पता वो सुनो। अगर मेरे को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के पहले कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी ना, कि भैया कौन से स्टेट में काम करूंगा, कितना पैसा कंपनी में लगाऊंगा, क्या काम करूंगा, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। तो मैं 2 डॉक्यूमेंट बनाऊंगा सर, एक होता है आर्टिकल, एक होता है मेमोरेंडम। अब इन्होंने बोला मेमोरेंडम क्या होता है सर? मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ फिक्स्ड बातें लिखी होती है। 6 बातें या 7 बातें या 5 बातें, जो भी तुमने पढ़ी है, 5-6 बातें इसमें फिक्स्ड होती है, वही लिखी होती है, इसका काम खत्म। उसके अलावा तुमको जो भी ज्ञान देना है ना तुम ये वाले डॉक्यूमेंट में देते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अभी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है तुमको ना इसमें 3 बातें लिखनी पड़ेगी अगर तुम अपने आप को प्राइवेट कंपनी बुलाना चाहते हो। जो लिखा है 3 बातें जोर जोर से पढ़ोगे समझ के। पहला क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू। अच्छा, तुमको नहीं लिखा हुआ भी दिख रहा है। तीसरा, प्रोहिबिट्स इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सर कभी भी लॉ का कोई डेफिनेशन निकालने की कोशिश करो ना तो समझना डिफाइन क्या कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब यूं समझ लो, मेरे पापा है, पापा के 3 भाई है, तो चारों भाई ने मिलकर के क्या किया, एक कंपनी बना ली। ये जो कंपनी बनाई क्या ये पूरे पब्लिक की है क्या? नहीं, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। पर सर प्राइवेट कंपनी बनती कैसे है? तो लॉ ने बोला 3 कंडीशन। पहला, रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर मेरे पापा क्या बोले, मेरे पापा बोले मेरे को ये काम नहीं करना है तुम लोगों के साथ। पापा बोले चारों का 25% शेयर है, मैं अपना 25% शेयर उठा करके किसी एक्स पर्सन को बेचना चाहता हूँ। बट उस एक्स पर्सन से मेरे ताऊजी को प्रॉब्लम है, उस एक्स पर्सन से मेरे ताऊजी को प्रॉब्लम है, तो क्या वो बेचने देंगे क्या? नहीं। तो ताऊजी क्या बोलेंगे, भाई अगर ऐसे ही उठा के किसी को भी बेच देना था तो पब्लिक कंपनी बना लेते ना, प्राइवेट कंपनी बनाने का क्या मतलब है? तो इसलिए हमने बोला प्राइवेट कंपनी में ना शेयर्स ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अरे समझे क्या? यस सर। सो इट रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसके बाद आ जाओ तीसरे वाले केस में, क्या लिखा है? इट प्रोहिबिट्स इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मैंने क्या बोला, पापा ताऊजी लोग ने मिलकर के कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी। अब उन्होंने क्या बोला, हम एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, जिनको आकर के हमारी कंपनी में पैसा लगाना है लगा लो, हम आपको अपनी कंपनी का शेयर्स दे देंगे। ये प्राइवेट कंपनी हुआ क्या भाई? तुम पब्लिक से इनविटेशन मंगवा रहे हो तो ये तो पब्लिक कंपनी हो गया ना। हमको क्या बनाना है? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी अगर बना रहे हो ना तो तुम पब्लिक से कभी भी पैसा मंगवा नहीं सकते, तुम कोई भी ओपन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तुम प्राइवेटली ही पैसा इकट्ठा करो। अब मेरे को एक फर्क बताओ सर, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्ट, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है प्रोहिबिट, दोनों में फर्क क्या है बताओ? कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। प्रोहिबिट मतलब प्रोहिबिटेड है और रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। मजाक कर रहा हूं। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे सिंपल सा मतलब है, तुम समझो जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ 9th स्टैंडर्ड में जब स्कूल वूल में मेरे कुछ कांड हुए थे, ठीक है, क्या कांड वो नहीं बताऊंगा पर कुछ कांड हुए थे, तो पापा ने मेरे को बोला था कि खबरदार आज से तूने ये सारी हरकतें करी है, ठीक है। पर मम्मी ने क्या बोला, तू देख ले रिलेशनशिप वगैरह में आ जा पर मारवाड़ी होनी चाहिए। मम्मी ने क्या बोला? मारवाड़ी। पापा ने बोला देख लेना बेटा खबरदार तूने किया, और मम्मी ने क्या बोला? मारवाड़ी होनी चाहिए। अब दोनों में फर्क क्या है? पापा ने प्रोहिबिट कर दिया, मम्मी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि कर सकता है पर कंडीशंस हैं। तो यहां पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे शेयर्स तो ट्रांसफर करूंगा ना, कभी ना कभी तो करूंगा ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, फिर कर सकते हो। पर प्रोहिबिशन, तुम जिंदगी में कभी भी जाकर के पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब सर ये 2 पॉइंट हो गए, अब बीच वाला पॉइंट पढ़ो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, ये लाइन छोड़ दो। आगे क्या लिखा है? लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू डैश, यहां पे मैं लिख दूं लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। सर एक बात बताओ, मैंने एक प्राइवेट कंपनी बनाने की सोची, मैंने बोला प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, सिर्फ 1.5 लाख लोग शेयर होल्ड करते हैं। 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख, 1,50,000 मैडम, ठीक है। तो 1,50,000 लोग शेयर होल्ड करते हैं, मैंने क्या बोला? 1,50,000 लोग शेयर होल्ड करते हैं। क्या ये प्राइवेट कंपनी बनती क्या? 1,50,000 लोगों की फील 1.5 में आता है मैडम, क्या करूं मैं? 150 बोलने में मजा नहीं आ रहा है, 150 से अच्छा 1 लाख बोल ले। फिर सुनो, क्या 1 लाख लोगों की क्लोजली हेल्ड कंपनी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती यार, मतलब एक नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट होना चाहिए। तो यहां पे इन्होंने कितने की लिमिट डाली है? 200 की लिमिट डाली है। पर सर सुनो ध्यान से, 200 की लिमिट बहुत ट्रिकी है, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ 200 की लिमिट। तुम सोचो जब एक कंपनी नया नया शुरू होता है, मान लो मेरे को एक स्टार्टअप बनाना है, मैंने देखा भैया ईवी जो सेक्टर है, ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैंने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल में ना मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं कंपनी शुरू करते हैं। तो मैं क्या शुरू करूंगा? नॉर्मली प्राइवेट कंपनी, तो मैंने प्राइवेट कंपनी एक स्टार्ट कर दी। अब प्राइवेट कंपनी में मैंने बोला मेरे को 500 एम्प्लॉइज की जरूरत है। क्या जरूरत है मेरे को? 500 एम्प्लॉइज की जरूरत है। मैंने तुम लोगों को बोला आ जाओ प्लीज मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। तुम बोले सैलरी, मैंने बोला ना तो रेवेन्यू आया है ना तो मेरे पास कोई प्रॉफिट आया है, तुम सैलरी की बात कर रहे हो। मैंने बोला मैं सैलरी नहीं दे सकता, मैं तुमको क्या करूंगा इन रिटर्न, एक ऑप्शन है, मैं तुमको मेरे कंपनी के ईसॉप्स दूंगा। इन्होंने बोला, भाई मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला, क्या बोला? ईसॉप्स दूंगा। मतलब क्या? तुम मेरे एम्प्लॉइज बनोगे, मैं तुमको शेयर्स दूंगा कंपनी के। तो जब तुमको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे तो अगर तुमने कंपनी में बहुत मेहनत करी और कंपनी अच्छा कर गया तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, तुम बहुत ज्यादा कमाओगे। पर अगर तुम लोगों ने ढंग से मेहनत नहीं करी, कंपनी काम नहीं करेगा, तो वो शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मैं इस तरीके से शेयर्स बांटूंगा। पर मैं शेयर्स क्यों बांट रहा हूं? क्योंकि मेरे पास देने को पैसा नहीं है। क्या ये नॉर्मल सी बात है सर? क्या इसी तरीके से स्टार्टअप बनता है? क्या इसी तरीके से बिजनेस शुरू होता है? हाँ। अब जब मैंने तुमको शेयर्स दिया, क्या तुम मेंबर बन गए? क्या तुम मेंबर बन गए? हाँ। और जब तुम मेंबर बन गए, क्या तुम ये 200 के लिमिट में नेचुरली इंक्लूड हो जाते? हाँ हो, नेचुरली, नॉर्मली तो इंक्लूड हो जाते। हमने बोला नहीं करना है हमको। क्यों? क्योंकि भाई एम्प्लॉय तो 500 भी हो सकते हैं ना जिनको तुमने शेयर दे रखा है। तो हमने बोला जो ईसॉप्स जिनको देते हो ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, तुम लॉ में 4 बार समझोगे, अकाउंट्स में 10 बार समझोगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? जो एम्प्लॉयज को जो तुम शेयर्स देते हो ना, उसको इंक्लूड नहीं करना था। तो यहां पे 200 में एक्सेप्शन में हमने लिखा, नीचे लिखो तुम, डज नॉट द लिमिट ऑफ 200, लिमिट ऑफ 200 डज नॉट इंक्लूड पर्सन हु इज in employment of company or person who was an employee when he became member but ceased to be employee thereafter. क्या बोला मैंने? Person who was an employee when he became a member but he ceased to be employee thereafter. He ceased to be employee thereafter. इनको 200 के लिमिट में नहीं लेंगे सर. प्रैक्टिकली समझना प्लीज, आराम से समझोगे तो समझ आ जाएगा. सर आपका नाम क्या है? कुशाल. आ जाओ कुशाग्रह आ जाओ ऊपर. ऐसा आ जाओ आ जाओ. थोड़ा प्रैक्टिकली समझना तो समझ जाओगे, बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझोगे तो ही समझ आएगा, वरना नहीं. इधर आना, कैमरा ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे दिखेगा. ये कुशाग्र है, ठीक है. प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों. मेरे को क्या करना है? मेरे को 200 का लिमिट काउंट करना है. अब तुम समझो 200 का लिमिट क्यों इंपॉर्टेंट है. सर क्यों इंपॉर्टेंट है सुनना. अगर 200 के ऊपर चले गए तो तुम पब्लिक कंपनी हो गए, नीचे चले गए तो प्राइवेट कंपनी हो गए. दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? सर प्राइवेट कंपनीज यानी कि छोटे कंपनीज, हमने छोटे कंपनीज को ना कंपनीज एक्ट में बहुत सारे एक्सेप्शन देके रखे हैं. तू ये मत करना, तू ये भी मत करना, तू ये भी मत करना. क्यों? क्योंकि तुम छोटी कंपनी हो, तुम धंधे पे ध्यान दो. पर तुम पब्लिक कंपनी हो जाते हो तो सारी चीजें आपको एप्लीकेबल हो जाती है. अब 200 का लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बोला एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करेंगे, एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करेंगे. अब तुम समझना, ये बंदा है, ये आया मेरी कंपनी में, बोला सर मेरे को जॉब चाहिए. मैंने जॉब दिया. मैंने बोला सैलरी नहीं दूंगा, मैं तेरे को मेरे कंपनी के शेयर्स दे रहा हूँ. मैंने इसको शेयर्स दे दिया. अब क्या ये मेरे 200 के लिमिट में काउंट होगा? विल ही बी काउंटेड? नो, बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉई. ठीक है. अब 4 साल काम किया इसने. उसके बाद इसने बोला सर मेरे को बेटर नौकरी मिल रही है, मैं जा रहा हूं. चला गया. पर इसने अपने शेयर्स, मैंने बोला शेयर्स बेचेगा क्या? बोला नहीं नहीं सर, शेयर्स में होल्ड करूंगा. और ये चला गया. अब ये एम्प्लॉय नहीं है पर ये शेयर होल्डर है. क्या नहीं है? एम्प्लॉय नहीं है पर ये शेयर होल्डर है. अब ये चला गया है, ये शेयर होल्डर है पर एम्प्लॉय नहीं है. अब क्या मैं इसको काउंट करूंगा? लॉ ने बोला नहीं भाई, तुम सिर्फ एक सवाल का जवाब दो. जब तुम शेयर दे रहे थे क्या वो एम्प्लॉय था? हाँ, जिंदगी भर काउंट नहीं होगा. पर जब तुम शेयर दे रहे थे क्या वो एम्प्लॉय था? अगर आंसर इज नो तो वो जिंदगी भर काउंट होगा. सर सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछना है? जब तुम शेयर दे रहे थे क्या वो एम्प्लॉय था? अगर हां तो उसको कभी भी काउंट नहीं करेंगे. पर जब तुम शेयर्स दे रहे थे तब वो एम्प्लॉय नहीं था तो आप उसको काउंट कर लोगे. समझ लो क्या हुआ, ये मेरी कंपनी में आया एज अ पार्टनर. पहले मैंने इसको बोला भाई 50% तेरा 50% मेरा. बाद में इसने बोला मैं और घुस के काम करूंगा कंपनी में. ये पार्टनर के साथ साथ क्या बन गया, 2 साल बाद एम्प्लॉय भी बन गया. बोला अब मैं क्या करूंगा, कंपनी को मैं एज एन एम्प्लॉय भी टैकल करूंगा. अब जब ये पहले शेयर होल्डर था, बाद में ये शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय बन गया, क्या आप इसको काउंट करोगे क्या? सवाल एक ही है कि जब शेयर्स दे रहे थे क्या एम्प्लॉय था क्या? इस केस में द आंसर इज नो. तो जब एम्प्लॉय नहीं था तो तुम उसको काउंट करोगे. अरे समझे क्या? हाँ चल बैठ, मैं तुमको फिर से समझा रहा हूं बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल. लिखो एक बार और समझा लेने से सेम चीज, फिर भी अगर क्लियर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा. मैंने अभी एक ही बार समझा है, एक और बार समझो. स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल लिखा है, लिखो इज दिस अ प्राइवेट कंपनी. एक और बार ऑनलाइन वालों, एक और बार सुन लो अच्छे से. इज दिस अ प्राइवेट कंपनी, हेडिंग डालो और नीचे लिखो. पहला टाइप, नॉर्मल शेयर होल्डर्स नंबर 194. जॉइंट शेयर होल्डर 5 couples 10 person. फिर एक अमर है, अमर है, उसका करंट एम्प्लॉई है 1, अकबर है फॉर्मर एम्प्लॉई है 1, एंटनी है जो पहले शेयर होल्डर था और अब एम्प्लॉई है। ये तीनों पॉइंट लिखो। तीन लोग हैं ना सर, ये तीन लोग की बात करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप 200 का लिमिट गिन रहे हो तो क्या ये तीनों को काउंट करोगे? एक एक करके जाएंगे। सबसे पहला अमर है, अमर आज शेयर होल्डर है और आज एम्प्लॉय भी है, तो आप ये अजम्पशन लेके चलो जब शेयर होल्डर बना था तब भी एम्प्लॉय था, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे। दूसरा अकबर है, ये आज शेयर होल्डर भी है पर अब ये एम्प्लॉय नहीं रहा, पर पहले एम्प्लॉय था। मतलब जब आपने शेयर्स दिया तब एम्प्लॉय था, अब एम्प्लॉय नहीं रहा, तो तुमने वापस ईसॉप्स ही दिए हैं, आप उसको काउंट नहीं करोगे। पर एंथनी है जो पहले शेयर होल्डर था और अब वो एम्प्लॉय भी है, पहले शेयर होल्डर था बाद में एम्प्लॉय बन गया, तो अब आप इसको काउंट करोगे। क्यों सर? क्योंकि जब आपने इसको शेयर्स दिया था तब ये एम्प्लॉय था क्या? नहीं। मतलब सर आपने इसको एम्प्लॉय की कैपेसिटी में शेयर्स नहीं दिया। लॉ का इंटेंशन समझो कि भैया जब जब तुम एक एम्प्लॉय को हायर करते हो और उसको सैलरी देने की जगह शेयर्स देते हो ना, हम उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा हर किसी को काउंट करेंगे। अरे समझे क्या? फिर से एक लाइन बता रहा हूं, सुन लो। जब जब एक एम्प्लॉय आया और उसको सैलरी देने की जगह तुम शेयर्स दे रहे हो ना, तो उस एम्प्लॉय को हम काउंट नहीं करेंगे 200 के लिमिट के, उसके अलावा हर किसी को काउंट करेंगे। ठीक है? अब जहां पे तुमने ये लिखा था ना विट विल नॉट इंक्लूड, उसके नीचे एक लाइन लिख लो, जॉइंट शेयर होल्डर्स सर जॉइंट शेयर होल्डर्स क्या है सुनना। मान लो मैंने और मेरी एक दोस्त है निधि ने, हम दोनों ने मिलकर के क्या डिसाइड किया? अब हम क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हम मिला के अपनी सैलरी का कुछ कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करेंगे। तुमने प्यार का पंचनामा देखा है 2? प्यार का पंचनामा 2 देखा है? अभी देख लो, आने वाले 6-7 दिन में जो मूवीज देखना है उसके बाद तो समय ही नहीं मिलेगा। पर मैंने और निधि ने क्या डिसाइड किया? अब हम थोड़ा थोड़ा मिलकर के इन्वेस्ट करेंगे। हम दोनों ने क्या खरीदा? रिलायंस का शेयर्स। और रिलायंस का शेयर्स ऐसा नहीं कि मैंने 10 खरीदा उसने 10 खरीदा, ना ना, हमने 20 शेयर खरीदे जॉइंट शेयर होल्डिंग में। जॉइंट शेयर होल्डिंग मतलब क्या? दोनों ने मिला के पैसा लगाया और वहां पे शेयर होल्डर की लिस्ट में मेरा भी नाम लिखा हुआ है, निधि का भी नाम लिखा हुआ है। तो सर जब जॉइंट शेयर होल्डर होते हैं तो मैं और निधि दो अलग अलग लोग हैं, मिला करके कितना होल्ड कर रहे हैं? 20 शेयर होल्ड कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग मेंबर्स मेरे को और निधि को अलग अलग गिना जाएगा? दो अलग अलग लोग गिनोगे या दो जिसमें एक जान गिनोगे? एक बोल दो ना तुम। हाँ, तुम कितना गिनोगे? एक। यानी कि क्या, जॉइंट शेयर होल्डर को जब आप नंबर ऑफ मेंबर्स गिन रहे हो उसके लिए कितना गिनोगे? 1। तो आप यहां पे लिखो जॉइंट शेयर होल्डर टू बी काउंटेड एज 1। क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि एक साथ मैक्सिमम कितने जॉइंट शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? क्या 10 लोग मिलकर जॉइंट शेयर होल्डिंग कर सकते हैं? हाँ नहीं सर, द लिमिट इज 3। मैक्सिमम लिमिट कितना होता है? 3 होता है। 3 से ज्यादा ज्वाइंट शेयर होल्डर नहीं हो सकते। मतलब मैं, निधि और कोई एक और जना अगर है तो 3 जन मिलकर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। समझे क्या? यस सर। तो ज्वाइंट शेयर होल्डर 1। अब वापस आ जाओ मेरे क्वेश्चन में, मेरे को बताओ ज्वाइंट शेयर होल्डर, यहाँ पे लोग 10 थे लेकिन कितने? 5 कपल्स थे। मतलब 5 कपल्स मिल करके शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो इसको 10 मेंबर काउंट करेंगे कि 5 मेंबर? You will count this as 5। और जो नॉर्मल आपका 194 है उनको तो आप 194 ही काउंट करोगे, तो आपका एग्जैक्ट कितना हो गया? एग्जैक्ट 200। अब मेरे को बताओ सर एग्जैक्ट 200 पे क्या होता है? आप प्राइवेट की पब्लिक? कैसे प्राइवेट? वहां पे लिखा है सेट्स द लिमिट टू 200, मतलब 200 तक प्राइवेट, 201 पे पब्लिक। अरे समझे क्या? यस और नो? अब आपका डाउट है सर? कुशाग्र था, वो एम्प्लॉय था, उसको शेयर्स मिला और उसने अगर अपना शेयर्स किसी नॉर्मल पर्सन को बेच दिया जो एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में उसको काउंट करोगे क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। जब आप उसको शेयर्स दे रहे थे क्या वो एम्प्लॉय की हैसियत में दिया है? नहीं, तो आप उसको काउंट करोगे। समझे क्या? सिंपल। और कोई सवाल? यस मैडम। मैं तुमको सिंपल एक लाइन में आंसर देता हूं। अगर तुम ईसॉप्स या तुम एम्प्लॉय को सैलरी के बदले में शेयर्स दे रहे हो ना, सिर्फ वही केस एग्जेम्प्ट है। जब कुशाग्र ने अगर तेको बेचा, क्या तू एम्प्लॉय की हैसियत से शेयर ले रहे हैं? नहीं, इट इज अ नॉर्मल सेल परचेज ट्रांजैक्शन। सो नाउ यू आर माय शेयर होल्डर एंड आई विल नॉट एक्सक्लूड यू। I only intended to exclude him because he was an employee and shareholder in the capacity of employee. अरे समझा क्या? yes, मैडम आपका यही डाउट था, कुछ और बोल रहे हो? अगर उसने बेच दिया तो उसको काउंट करेंगे। हाँ, 201 हो जाएगा तो क्या होगा? राइट सर, प्राइवेट कंपनी है, अगर तुमने 201 कर लिया तो तुमने अपना कंडीशन ब्रीच किया और कंडीशन ब्रीच कर दिए तो तुम क्या बन जाओगे? पब्लिक कंपनी। अरे समझे क्या? यस सर। तो इसी के नीचे लिखो सेक्शन 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी। बहुत डिफिकल्ट है भाई पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो भी इजी था, पब्लिक कंपनी तो ओ हो। पब्लिक कंपनी मीन्स, सुन लो, एनी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी। तुमको प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन बोले तो नहीं नहीं सर हम सब डायरेक्ट एंट्री वाले, हमको कुछ आता ही नहीं है। और पब्लिक कंपनी डायरेक्ट एंट्री वालों को भी आ रहा है, वाह 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 वाह। लिखो पब्लिक कंपनी मीन्स एनी कंपनी अदर देन a private company having such paid up share capital as may be prescribed अब सर इसके आगे एक लाइन लिखा रहा हूं, जो समझ के मेरे को समझा दिया वो महान। अच्छा, एक बेसिक, एक एकदम लिटरल लैंग्वेज नहीं पर आपको एकदम बेसिक पता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? किसको नहीं पता? हाथ उठाओ। जिसको एकदम ही नहीं पता सब्सिडरी क्या होती है, मतलब डेफिनेशन नहीं भाई, फील पता है तुमको। होल्डिंग मतलब क्या? जो इन्वेस्ट कर रखा है, सब्सिडरी मतलब जो उसके कंट्रोल में, इतना सा पता है बस आपको। हाँ लिखो आगे, मैंने एक लाइन लिखा प्रोवाइडेड दैट। क्या लिखा मैंने? एक लाइन प्रोवाइडेड दैट a subsidiary of a private company, sorry, a subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company. A subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company even if such subsidiary company continues to be private company as per its फटाफट खड़े होके कौन समझाएगा बताओ? कुछ वही हाथ दिखेंगे क्या पूरी क्लास में? हाँ, कल सर ने क्या बोला था आपको? हाथ नीचे करो। बिलीव, बिहेव, बिकम। बिलीव दैट यू आर अ सीए, बिहेव लाइक अ एग्जेम्पशन होल्डर, बिहेव लाइक अ 300+ स्टूडेंट एंड देन यू विल बिकम अ सीए। तो कोशिश तो करो, ऐसा नहीं कि मैं तो क्लास में नहीं बोलता। भैया देखो तुमको एक चीज बता देता हूँ, सीए के लाइफ में ना कॉलेज नहीं होता है, यही तुम्हारा कॉलेज है। यहाँ पे जितना खुलोगे उतना आगे चल करके इंटरव्यू में बोलोगे, नहीं तो इंटरव्यू में तुमको आंखों से आंखें मिला के पूछ रहे क्या लिखा है भाई। हमने तो प्रैक्टिस करी है इसकी 4 साल से, सारे क्लास में बैठ बैठ के यही तो प्रैक्टिस किया है हमने। थोड़ा सा खुलो और थोड़ा सा बोलो। अरे यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत बोल दोगे ना, गलत को हंसेंगे ना ये लोग। कौन हंस रहे? सीए हंस रहे हैं क्या? सारे अपन सीए इंटर में ही है ना, तो कोई हंस रहा है तो भी क्या वो ऐसा थोड़ी कि भैया अपने ऊपर रतन टाटा जी आके हंस रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। एक फेलो सीए स्टूडेंट हंस रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिश करो। अब मेरे को कोई नए हाथ देखने चाहिए, मेरे को बताओ ये इसका मतलब क्या है? गुड, मतलब हर बार 4 हाथ उठाने के लिए इतनी मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी। बोलो सर आप। Subsidiary company of a public company is also a public company. Even if it shows itself as a private company. नहीं आप दोनों ने, आप बोलिए मैडम. पब्लिक कंपनी के सारे कंप्लेंसेस बैठ जाओ. दोस्तों ये देखो, आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसकी एक नीचे एक कंपनी है रिलायंस जियो. मैं अगर आपको बोलूं रिलायंस जियो का नाम क्या है, रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड का अगर आप एओए खोलोगे, क्या खोलोगे, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें तीन चीजें लिखी हुई दिखेगी आपको. बता सकते हो कौन सी तीन चीजें? पहले, इट विल रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. दूसरा, मेंबर्स हमारे 200 से ज्यादा नहीं होंगे. तीसरा, हम जो है बिल्कुल भी पब्लिक से पैसा नहीं मंगवाएंगे. ये तीन चीजें लिखी हुई है. मेरा सवाल आपसे, रिलायंस जियो जो है वो प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी? रिलायंस जियो प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक? कौन कौन बोल रहे हैं प्राइवेट, हाथ उठाओ. सर कौन कौन बोल रहे हैं प्राइवेट, हाथ उठाओ. क्यों मैडम? अच्छा, लेट मी ऐड वन मोर थिंग, जो बाय डिफॉल्ट तुमको समझ आना चाहिए था, ये इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है. मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड. बताइए मैडम. बैठ जाओ इनसे बैठ जाओ. इतना अपने सीए फाइनल थोड़ी पढ़ रहे हैं. सुनो मेरी बात दोस्तों, क्या कहा है यहाँ पे, मेरे एक सिंपल सा सवाल है. रिलायंस जियो यहां पे बाय, अगर तुम फील से समझो तो क्या है, रिलायंस जियो यहां पे प्राइवेट है कि पब्लिक है? फील से अगर तुम समझो तो तुम बोलोगे प्राइवेट है भाई, क्यों? नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा रखे, तीन कंडीशन भी सैटिस्फाई कर रहे हैं. पर सर इसको प्राइवेट बोल देते तो प्रॉब्लम क्या होती? प्रॉब्लम सर, हेलो प्लीज, कॉन्सेप्ट लोगे तो समझोगे प्लीज. दोस्त सबसे पहले ये बताओ, पब्लिक और प्राइवेट में फर्क क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि बेटा पब्लिक में किसका पैसा लगाए? पब्लिक का. क्या नुकसान होगा तो पब्लिक का नुकसान होगा. पब्लिक का नुकसान होगा तो किसको गाली पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तुम्हारे पैसे बचे. तो पब्लिक कंपनी को ना ये लोग कस कस के मारते हैं कि तू ये भी करेगा, तू ये भी करेगा, तू ये भी करेगा. पर प्राइवेट कंपनी को इतना नहीं करते. क्यों? मान लो मेरे पापा और 3 ताऊ ने प्राइवेट कंपनी बनाई, उसमें अगर 1 ताऊ जी ने फ्रॉड किया, किसका नुकसान? वो 4 लोगों का आपस में नुकसान. बाहर किसी का नुकसान हुआ क्या? नहीं. वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली कर सकते क्या? नहीं. तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में ये फर्क है कि पब्लिक कंपनी को हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, प्राइवेट को हम कंट्रोल नहीं करते. ये तो रिलायंस को भी पता है. तो रिलायंस क्या करेगा? रिलायंस को जो भी कांड करने हैं ना, वो क्या करेगा, पब्लिक से इन्वेस्ट करेगा एक प्राइवेट कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी को बोलेगा तू सारे कांड कर, क्योंकि तेरे को सारे एग्जेम्पशन है, तेरे को बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने ही नहीं है. तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या करेगा, वो खुद के नाम पे कोई काम नहीं करेगा, वो ऐसे छोटे छोटे प्राइवेट कंपनीज खोलेगा और वहां से सारे काम करेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो कोई रिपोर्टिंग करनी नहीं होगी. तो इसीलिए हमने क्या बोला, तुम शाणे तो हम 1.5 शाणे, तुम शाणे तो हम 1.5 शाणे. उनको 1.5 नहीं समझता, बोले ना आज तो 1.5 टाइम शाणे. तो तुम मेरी बात समझो कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या करता, वो बच जाता ये कंप्लाइंसेस से. तो इसलिए हमने हिसाब क्लियर कर दिया. हमने बोला बेटा तुम्हारी होल्डिंग कंपनी पब्लिक है ना, तो तुम भी पब्लिक हो. माना कि अभिषेक बच्चन अच्छी एक्टिंग नहीं करता, पर अमिताभ बच्चन सेलिब्रिटी है ना, तो अभिषेक बच्चन भी बाय डिफॉल्ट सेलिब्रिटी हो गया, क्योंकि घर में पैसे उतने ही हैं और पावर उतनी ही है. अरे समझे क्या? यस सर, यही ये लाइन का मतलब है. अब ये लाइन पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट, जोर से पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट. मतलब दिल से तुम प्राइवेट होगे, पर हम तुमको कंपनी पब्लिक ही बुलाएंगे, तो तुमको सारा कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा. चलो गाइज यहीं पे रोकते हैं. मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो, मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी नहीं शुरू कर रहे हैं हम, ज्यादा जोश में शुरू करने का मतलब भी नहीं है. एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, धीरे धीरे रिदम बैठेगा. अरे रुक जाओ, चले जाना, मैं क्या खा, रुक जाओ. मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, एक ही चीज बस करना, आज जो घर में तुमने पढ़ा है जाकर के नोट्स पढ़ना. कल क्लास में आते ही मैं तुमको कल बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगा, और मैं तुमको आईसीआई मॉड्यूल से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो वो पढ़ के आना, तो ताकि आपका होल्ड रहे. और जो बच्चे बाजू में बैठे, बस 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं तुम लोगों से मिलने आ रहा हूं और उसके बाद भाग जाना तुम लोग। और बाकी ऑनलाइन वाले सब लोग, मैं तुम लोगों से कल मिलूंगा। क्लास समझ आई क्या तुम लोगों को? मजा आया? चलो गाइस ठीक है, बाय बोलो बच्चों, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे।